ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो आपको किन चीजों का केयर करना चाहिए कि कौन सी चीजें एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम की आपके पास एक कॉपी होगी। बेसिक चीजों पे बहुत अच्छे से वर्कआउट करते आना चाहिए। जब आप रिवाइज करते हो तो आपको बहुत अच्छे फॉर्म में लिखते आना चाहिए कि भाई इंपल्स रिस्पॉन्स को कैसे फाइंड आउट करते, स्टेप रिस्पॉन्स को कैसे फाइंड आउट करते। तो पहला चैप्टर बहुत आसान सा है, लेकिन आपकी फीलिंग वाला पार्ट है तो आपको अच्छे से आना चाहिए। डैम्पिंग रेशो क्या क्या करता है एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम में, डैम्पिंग रेशो की जो वैल्यू होती है उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, वो स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। कंट्रोल सिस्टम लिखा हुआ हूँ, तो जैसे आप देखे होंगे थोड़े दिन पहले जब मैं नेटवर्क का एक वीडियो डाला था जिसमें कि मैं बताया था कि कैसे आपको रिवाइज करना चाहिए लास्ट टाइम में, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ चुके हैं और कंट्रोल सिस्टम लास्ट टाइम पे अगर आपको फटाफट रिवाइज करना है तो आपको किन चीज़ों का केयर करना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लास्ट टाइम में देखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम की आपके पास एक कॉपी होगी या कोई लोग अगर सेल्फ स्टडी किए होंगे तो किसी टेक्स्ट बुक से पढ़े होंगे। तो मेरे को लगता है कि बेसिक चीज़ों पे बहुत अच्छे से वर्कआउट करते आना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तो मैं आपको बताता जाता हूँ कि किन चीज़ों का आपको थोड़ा अच्छे से केयर करना चाहिए। तो बहुत सारे चैप्टर्स है, आपके पास पता ही है कि बहुत सारे चैप्टर्स है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंट्रोल सिस्टम में अगर आप पूरा एक बार पढ़ चुके हो तो कम्बेट को जरूर देखिएगा। जो कम्बेट जो मैं प्रोवाइड किया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कंट्रोल कम्बेट है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी क्वेश्चन में इसमें प्रोवाइड किया हूँ, बहुत ही गुड क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूँ, उसका जो डिस्कशन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो डिस्कशन आपके काम का है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बोलूँ कि पहला चैप्टर आप जब स्टार्ट करते हो कंट्रोल सिस्टम में, तो कंट्रोल सिस्टम का पहला चैप्टर जो रहता है वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम पे बेस्ड होता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अब बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि एक जो फीडबैक सिस्टम होता है, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। नॉर्मली सबको पता रहता है, बट फिर भी जब आप रिवाइज करते हो तो आपको पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, नेगेटिव फीडबैक के बारे में आइडिया होना चाहिए। आपको बेसिक चीज में आपको एक्सप्लेन का आइडिया होना चाहिए कि एसप्लेन से आप क्या क्या कर सकते हो, एसप्लेन से आप टाइम कांस्टेंट की बात कर सकते हो, एसप्लेन से आप फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की बात कर सकते हो, एसप्लेन से आप स्टेबिलिटी की बात कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बोलते हो तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन और एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के बीच में रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है। आपको पता होना चाहिए कि डीसी गेन क्या होगा, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का डीसी गेन क्या होगा, एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का डीसी गेन क्या होगा। डीसी गेन का जो कंसेप्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कैसा होगा, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए डीसी गेन का। जैसे अगर मैं बोलूं कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू 10/(s+1) और (s+2) है, ये लिखा हुआ है, अगर मैं बोलूं कि इसका डीसी गेन कितना होगा तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं, s=0 लोग पुट करेंगे और 10/25 आ जाएगा, इज करेक्ट आंसर। बट अगर मैं बोलूं कि g(s) की वैल्यू 10/(s+1) और s+2, और अगर मैं इसके डीसी गेन की अगर मैं बात करूं तो जो डीसी गेन होगा s=0 पुट करने में इनफाइनाइट आ जाएगा, इज रॉन्ग आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइप वन सिस्टम है, और एक टाइप वन सिस्टम में जो डीसी गेन होता है s=0 वो होता है kV, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट होता है। एक टाइप जीरो सिस्टम में जो होता है ये kP होता है, इसलिए यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी पोजिशन एरर कोफिशिएंट में, ये kV होता है, और kV की वैल्यू लिमिट s→0 s g(s) होगा। जब आप s को 0 पुट करो, s को मल्टीप्लाई करोगे, s कैंसिल आउट होगा, आंसर विल बी 5। और अगर मैं बोल दूं कि g(s) अगर ऐसा है 10/(s²) s+1 और s+2 है, और अगर मैं बोलूं कि इसका डीसी गेन कितना होगा, इसका डीसी गेन s=0 पे अगर मैं बोल रहा हूं इनफाइनाइट तो रॉन्ग होगा, इसका जो डीसी गेन का जो आंसर होगा वो होगा k, एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट, और अगेन उसका आंसर 5 होगा। तो इसका भी 5 आंसर है, इसका भी 5 आंसर है, उसका भी 5 आंसर है। तो ऐसे कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, जब आप रिविजन करते हो तो रफ कॉपी में आपको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है कि भाई डीसी गेन का कंसेप्ट क्या है। तो जब आप एक बार डीसी गेन लिखते हो, तो मैं बोला कि पूरा कंट्रोल पढ़ चुके हो तो आपको पता रहना चाहिए कि डीसी गेन चीजें क्या है। तो डीसी गेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एरर कोएफिशिएंट के कंसेप्ट से निकाला जा सकता है, और एरर कोएफिशिएंट आप भूल नहीं सकते हो, एरर कोएफिशिएंट के कंसेप्ट से निकाला जा सकता है। इवन डीसी गेन बोडे प्लॉट में जो के की वैल्यू होती है, बोडे प्लॉट में जो के की वैल्यू होती है वो डीसी गेन होता है, तो आप बोडे प्लॉट से हेल्प ले सकते हो, एरर कोएफिशिएंट से हेल्प ले सकते हो, तो डीसी गेन का कंसेप्ट इज वेरी गुड। तो मैं बोला कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के बीच का रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए।
एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, CLTF का जो टर्मोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एसप्लेन की बात करते हो तो टाइम कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन है, स्टेबिलिटी है। अगर मैं बोलूं कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का स्टेबिलिटी का इफेक्ट पता होना चाहिए, कि स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात कर रहा हूं तो स्टेबिलिटी जो होगा वो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, स्टेबिलिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव फीडबैक के इफेक्ट पता होना चाहिए कि जब आप नेगेटिव फीडबैक सिस्टम अप्लाई करते हो तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम अप्लाई जब करते हो आपके पास तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है, सिस्टम की जो स्पीड है वो ज्यादा बढ़ जाती है, ये सिस्टम की स्पीड बढ़ जाती है, सेटलिंग टाइम की वैल्यू जो होता है वो कम हो जाता है। बैंडविड्थ की बात करूं, अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो टाइम कांस्टेंट कम हो रहा है तो बैंडविड्थ बढ़ता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है कि इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, और अगर पॉजिटिव फीडबैक की बात कर रहा हूं तो ये स्टेबिलिटी जो रहता है उसको कम कर देता है, सिस्टम को अनस्टेबल बना देता है। तो मैं बोल रहा हूं बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम में आपको पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, उसके इफेक्ट, एक एसप्लेन के बारे में बेसिक आइडिया, आपको एक इनवर्स लाप्लास के बारे में बेसिक्स आइडिया, आपको लाप्लास इनवर्स लाप्लास से बेसिक बेसिक चीजें आना चाहिए, आपको इनिशियल वैल्यू थ्योरम पता होना चाहिए, आपको फाइनल वैल्यू थ्योरम पता होना चाहिए। तो जो पहला चैप्टर होता है जो वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर ये तो हो गया बेसिक बेसिक कंसेप्ट पे बात, अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंसिटिविटी। अगर आप कंट्रोल सिस्टम के पहले चैप्टर की बात करें तो आपको सेंसिटिविटी का आइडिया रहना चाहिए कि एसटीजी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा टी बाई टी डिवाइड बाई डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू 1/1+GH, इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी इज इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, सेंसिटिविटी आपको बनना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि और भी अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो और क्या क्या आपको बनना चाहिए, तो ये तो मैं बात किया था स्टेबिलिटी की, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की बात, तो आप सेंसिटिविटी को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो डोमिनेंट पोल का कंसेप्ट होता है, सेकंड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो डोमिनेंट पोल का कंसेप्ट होता है, और डोमिनेंट पोल का कंसेप्ट बहुत ही गुड कंसेप्ट है। तो डोमिनेंट पोल के बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए कि डोमिनेंट पोल का कंसेप्ट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और डोमिनेंट पोल का कंसेप्ट पढ़ते समय आप डीसी गेन को भी अच्छे से केयर करते आना चाहिए, क्योंकि डीसी गेन से रिलेटेड है डोमिनेंट पोल का कंसेप्ट, तो आपको डीसी गेन के बारे में पता होना चाहिए, आपको डोमिनेंट पोल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये दो टॉपिक को आप बहुत केयर करेंगे, सेंसिटिविटी और डोमिनेंट पोल, जब आप फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं। आपको आइडिया होना चाहिए बेसिक ट्रांसफर फंक्शन का, ट्रांसफर फंक्शन का आपको आइडिया होना चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन का आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एक आरसी नेटवर्क है, ये एक आरसी नेटवर्क है, इसके साथ अगर मैं एक और अगर आरसी नेटवर्क लगा दूं तो ये दोनों का ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों के ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि नेटवर्क बिना लोडिंग इफेक्ट होता है। तो आपको ट्रांसफर फंक्शन का आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसका और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, नॉट पॉसिबल। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड। इस पहले चैप्टर में आपको ना इंपल्स रिस्पॉन्स का आइडिया होना चाहिए कि इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। आपको आइडिया होना चाहिए कि स्टेप रिस्पॉन्स क्या होता है, अलग बात है सिग्नल सिस्टम का टर्म है, लेकिन फिर भी जब आप कंट्रोल सिस्टम रिवाइज कर रहे हो तो आपको स्टेप रिस्पॉन्स का आइडिया होना चाहिए, इंपल्स रिस्पॉन्स का आइडिया होना चाहिए, ऐसी चीजें आपको बनना चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीजें जब आप रिवाइज करते हो तो आपको बहुत अच्छे फॉर्म में लिखते आना चाहिए कि भाई इंपल्स रिस्पॉन्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्टेप रिस्पॉन्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, छोटे छोटे फिगर जो सिग्नल सिस्टम में भी यूज होता रहता है। एक ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन में आपको लोडिंग इफेक्ट के बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए, डोमिनेंट पोल का आपको आइडिया होना चाहिए, फिर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के बारे में लिखा, स्टेबिलिटी के बारे में लिखा, सेंसिटिविटी के बारे में लिखा, रैंडमली किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का सेंसिटिविटी निकालते आना चाहिए। इसरो 2018 में सेंसिटिविटी का एक बेसिक सा गुड क्वेश्चन आया था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इसरो का क्वेश्चन था कि A1+KA2/A3+KA4, ये एक ट्रांसफर फंक्शन था और इसका सेंसिटिविटी निकालना था इस ट्रांसफर फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू के। तो ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चन आपको फ्रेम होंगे, गेट में भी फ्रेम होंगे, तो आपको सेंसिटिविटी वाला पार्ट आपको आना चाहिए। तो मैं बोला कि पहला चैप्टर बहुत बेसिक है, उस बेसिक से चैप्टर को आप अच्छे से कवर करके रखें। तो पहला चैप्टर में कुछ बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते, एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, बैंडविड्थ और टाइम कांस्टेंट का क्या रिलेशन है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले इफेक्ट लिख रहा था। तो पहला चैप्टर बहुत आसान सा है लेकिन आपकी फीलिंग वाला पार्ट है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि पहले चैप्टर में इन टॉपिक को, जिन टॉपिक को मैं बोला, उन टॉपिक को आपको कवर करते आना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले चैप्टर का फीलिंग है, बेसिक सा फीलिंग है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इतना बेसिक सा फीलिंग अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो इसको फटाफट रिवाइज करना है, फटाफट आपको देखना है कि आपको कोई डाउट तो नहीं है, आपको अपनी रफ कॉपी में लिख के चेक करना है कि इसमें आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर का स्टोरी है जो कि इन जनरल किसी को आना चाहिए, बहुत सारे लोग पहला चैप्टर उतना अच्छे से पढ़ते नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि पहला चैप्टर का इतना स्टोरी है जो लोगों को बनना चाहिए। अब अगर मैं बोलूं कि जब आप आगे मूव करोगे, आप सेकंड चैप्टर में जाओगे, तो सेकंड चैप्टर क्या है हमारे पास कंट्रोल सिस्टम का, तो सेकंड चैप्टर में जब आप जा रहे हो तो सेकंड चैप्टर में लिख देता हूं मैं सेकंड चैप्टर के बारे में। सेकंड चैप्टर जो है वो ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ, हमारा कंट्रोल सिस्टम जब हम स्टार्ट करते हैं तो ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ से स्टार्ट होगा, ठीक है।
तो चलो मैं सेकंड चैप्टर के बारे में लिख देता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको क्लियर करना चाहिए सेकंड चैप्टर के बारे में। चैप्टर नंबर टू, ब्लॉक डायग्राम एंड एसएफजी। मेरे को लगता है कि इस चैप्टर के साथ जब आप रिवाइज कर रहे हो तो सबसे कम टाइम आपको इसमें देना चाहिए। ब्लॉक डायग्राम के रिडक्शन रूल में जाने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ते समय थोड़ा बहुत काम आता है कि जब आप टेकअप पॉइंट को इधर से उधर कर रहे हो, उधर कर रहे हो, ये हो रहा वो हो रहा, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि किसी भी ब्लॉक डायग्राम को आप सिग्नल फ्लो ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप सिग्नल फ्लो ग्राफ में मेसन्स गेन फॉर्मूले को बस अच्छे से यूज करो। मेसन्स गेन फॉर्मूले में आपको पता है कि समेशन के इक्वल टू 1 to n है, इधर पी सब्स्टिट्यूट में के डेल्टा के डिवाइड बाई डेल्टा है। आप ऐसा वाला एक सिग्नल फ्लो ग्राफ ले लो जिसमें ना, जिसमें अगर आपके पास नॉन टचिंग लूप का कांसेप्ट एप्लीकेबल हो, नॉन टचिंग लूप्स का कांसेप्ट एप्लीकेबल हो, जिसमें ना एसोसिएट फैक्टर की वैल्यू 1 ना है, एसोसिएट फैक्टर की वैल्यू जिसमें 1 नहीं आता है, वो वाला कांसेप्ट ले लो। लिमिटेशन वाला पार्ट ले लो, मतलब ऐसा वाला ले लो जिसमें कि जैसे सपोज करो ये देखो सिग्नल फ्लो ग्राफ दिस वन, ये मैं अगर ऐसा दे दूं आपके पास और आपको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये ले मैं आपके लिए बना भी देता हूं, दिस वन 1 2 3 4 ये -1 ये -1 ये -1 ये बना दिया 10 दिस वन, ये बना दिया मैं 10 ये बना दिया आर दिस वन, ये बना दिया ऐसा, ये बना दिया ऐसा, ये लिख देता हूँ मैं 2 ये लिख देता हूँ 3 ये, इसमें सब कुछ अप्लीकेबल हो जाएगा, सब कुछ अप्लाई हो जाएगा इसमें। और ये आपके पास सी है, ये इस टाइप का क्वेश्चन ले लो जिसमें सी बाई आर की वैल्यू फाइंड आउट करना हो गया आपके पास। बहुत ज्यादा थोड़ी टाइम देने की जरूरत है आपको। मेसन्स गेन फॉर्मूला सभी को पता होता है, सभी को लिमिटेशन वाला पार्ट पता होना चाहिए कि लिमिटेशन अगर कोई भी अगर सेल्फ लूप अगर इनपुट नोड में तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको लिमिटेशन और मेसन्स गेन फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आप कोई भी एक फिगर सेलेक्ट कर लो, रैंडम कोई भी फिगर सेलेक्ट कर लो और उसमें ना सब चीज अप्लाई होना चाहिए। जैसे मैं बोला कि नॉन टचिंग लूप तो है भाई, इसमें नॉन टचिंग लूप, इसमें बोल रहा हूँ कि एसोसिएट फैक्टर की जो वैल्यू होगी फॉरवर्ड पाथ गेन को अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे इसको सिलेक्ट किया उसके बाद में फॉरवर्ड पाथ गेन से ये गया, तो फिर ये वाला चीज में आपके पास ये वाला आ रहा है कि नहीं। तो नॉन टचिंग लूप का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर रहना चाहिए कि किन चीजों के साथ आप केयर कर सकते हो। तो ये जो फिगर का जो आपके पास फॉर्म है इज वेरी वेरी गुड फॉर्म जिस हमें केयर किया हूं। तो ऐसी जगह पे आपको एक मेसन्स गेन फॉर्मूले को अच्छे से यूज करते आना चाहिए, लिमिटेशन के बारे में पता होना चाहिए, नॉन टचिंग लूप के बारे में पता होना चाहिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप, कई बार लोग पूछते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप के बारे में पता होना चाहिए। आपको अगर कोई ब्लॉक डायग्राम दे रहा है और ब्लॉक डायग्राम के बाद बोल रहा है ट्रांसफर फंक्शन निकालो, तो फटाफट आपको एसएफजी में कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो एक या दो ब्लॉक डायग्राम आप रैंडमली सिलेक्ट कर लो, कोई भी रैंडमली, और फटाफट एसएफजी बनाओ और फटाफट अप्लाई करो। ऐसे तो रिवाइज करता है, आप जबरदस्ती कॉपी को देखते रहते हो, कॉपी में 10-15 क्वेश्चन थे उसको बार बार देखते रहते, अरे वो बार बार क्वेश्चन देखने से कुछ भी नहीं होगा भाई। मेसन्स गेन फॉर्मूला कोई नहीं भूलता है, सभी को फॉर्मूला पता है। तो आपको ना अपने से ना जब आप रिवाइज करते हो तो अपने से बहुत अच्छे से केयर करना होता है। तो आपको क्वेश्चन रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लो, दूसरे टाइप के क्वेश्चन, और उसमें अप्लाई कर डालो, हो गया भाई। ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ का रिवीजन कौन सी बड़ी बात है इसमें। हाँ, इसमें कुछ स्पेशल टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपसे एरर से रिलेटेड बात की जाती है तो थोड़ा सा केयर करना होता है। तो हर चैप्टर में एक या दो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं जिसपे लास्ट 30 ईयर से कुछ गुड क्वेश्चन फ्रेम हुए, उन चीजों का थोड़ा अच्छे से केयर करो। बट मैं मानता हूं कि सिग्नल फ्लो ग्राफ को आप ज्यादा फोकस में रखो, इसकी लिमिटेशन समझो और सिग्नल फ्लो ग्राफ को अच्छे से हैंडल करो, तो पूरी की पूरी चीजें इस चैप्टर में इजीली कवर हो जाएगी। और मैं क्वेश्चन भी ले लिया, तो अगर आप इतनी चीजों को लेके अगर कैरी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 या 3 गुड एसएफजी के क्वेश्चन आप ले लो, हो गया चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में बिल्कुल भी आपका टाइम ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो और रिवीजन में आपके पास 1 या 2 दिन होता है, मैक्सिमम 2 दिन होगा, कई बार तो लास्ट में 1 ही दिन होगा। तो आपको 1 दिन या 2 दिन के रिवीजन का स्टाइल पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि कुछ कुछ चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे को लगता है कि ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी पेज पलटाने से काम चल जाएगा, इसमें आपको टाइम देने की जरूरत नहीं होना चाहिए और नहीं देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसके बाद जो होता है वो टाइम रिस्पॉन्स होता है, टाइम रिस्पॉन्स ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइम रिस्पॉन्स और बड़ा भी चैप्टर है। तो टाइम रिस्पॉन्स में आप कैसे करें, तो टाइम रिस्पॉन्स में आपको आराम से एक रफ कॉपी निकालो और लिखो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आप लिखें, इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में सब कुछ आप लिख डालो, इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से रिलेटेड सब कुछ। इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम देखो 1/S भी लिख लिया, ये सी ऑफ टी भी है और ये आर ऑफ टी भी है। तो इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में आप क्या क्या निकाल सकते हो, इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में अगर मैं बोलूं कि इंपल्स रिस्पांस निकालो, तो आप इंपल्स रिस्पांस निकालो, एग्जाम का क्वेश्चन आता है, इंपल्स रिस्पांस फाइंड आउट कर लो। अभी इसरो का क्वेश्चन था 2018 में, मेरे अंदर से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स को यही क्वेश्चन था, इंपल्स रिस्पांस पूछा था, इंपल्स रिस्पांस निकालते आपको आना चाहिए, आपको स्टेप रिस्पांस आना चाहिए, स्टेप रिस्पांस आपके पास चाहिए,
आपको रैम रिस्पॉन्स आना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में तो ये तीनों आना चाहिए। रैम रिस्पॉन्स की बात कम लोग करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में आप तीनों की बात कर सकते हो। फिर अगर मैं बोलूं कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो आपको पैरामीटर्स पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो डिले टाइम होगा, डिले टाइम यहाँ पे कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, आपको पता होना चाहिए राइज टाइम कितना होता है, आपको पता होना चाहिए सेटलिंग टाइम कितना होता है। तो सेटलिंग टाइम, राइज टाइम और डिले टाइम, ये सबका आपको आइडिया होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में। एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आप बनाएं, उसके बाद आपको रहना चाहिए कि मेरे को फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में तो सब कुछ पता है यार। और एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में अगर सब कुछ पता है तो इज वेरी गुड। यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, डिले टाइम, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम। और अगर मैं बोलूँ कि स्टेप रिस्पॉन्स का फिगर कैसे होता है, तो एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में स्टेप रिस्पॉन्स का फिगर ये होता है, दिस वन, ये स्टेप रिस्पॉन्स का फिगर, कि जीरो से स्टार्ट हुआ, फाइनल वैल्यू वन हो गया। ये आपके पास अगर मैं बोलूं कि 50% अगर रीच कर लेगा तो ये हो जाएगा इसका डिले टाइम। और अगर ये 10% से 90% तक अगर रीच कर गया तो ये हो जाएगा, 10% से 90% तक रीच कर गया तो ये हो जाएगा इसका राइज टाइम। और अगर ये लगभग 98% तक रीच कर गया तो ये हो जाएगा इसका सेटलिंग टाइम। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो डिले टाइम होता है उससे ज़्यादा राइज टाइम होता है, उससे ज़्यादा सेटलिंग टाइम होता है, ऐसा करके करना चाहिए। डिले टाइम एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का 0.693 टाउ होता है, एक राइज टाइम जो होता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का 2.2 टाउ होता है, एक सेटलिंग टाइम जो होता है वो 4 टाउ होता है फॉर द 2% एरर बैंड। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में देखो सब रिजल्ट, और ये ऑर्डरिंग भी है। तो जब आप रिवीजन बहुत डोमिनेटिंग करते हो तो आप कंफर्टेबल रहते हो कि कोई कुछ भी पूछ ले। तो ये ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का स्टोरी हुआ, जब आप टाइम रिस्पांस पढ़ना चाहते हो। बहुत सारे लोग सेकंड ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं टाइम रिस्पांस पढ़ना, और फिर एग्जाम वाले लोग फर्स्ट ऑर्डर पूछ डालते हैं, तो फिर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पता नहीं और सेकंड ऑर्डर पढ़ लिया अपन। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में इतना पता होना चाहिए, फिर आप सेकंड ऑर्डर सिस्टम स्टार्ट कर सकते हो कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जब मैं ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं, तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम का आपको आइडिया होना चाहिए कि ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस है, दिस वन, ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम। इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जब आप ट्रांसफर फंक्शन निकालते हो, ट्रांसफर फंक्शन, तो ट्रांसफर फंक्शन का जो रिजल्ट होता है वो ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर है। इसके अगर मैं डीसी गेन की बात करूं, तो इसका डीसी गेन 1 है, इसका डीसी गेन 1 है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इसका डीसी गेन अगर 1 नहीं चाहिए तो के मल्टीप्लाई कर दो, तो के ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, और इसका डीसी गेन की वैल्यू जो है वो के है। तो दो टाइप के ट्रांसफर फंक्शन होते हैं, जिसका डीसी गेन 1 होता है, जिसका डीसी गेन के होता है। ये दो टाइप के ट्रांसफर फंक्शन लिख के रख लिए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि जो जीटा है, जीटा दैट मीन्स द डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो का सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए कि डैम्पिंग रेशियो क्या क्या करता है। एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम में डैम्पिंग रेशियो की जो वैल्यू होती है उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, वो स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करता है, डैम्पिंग रेशियो की पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब होता है, डैम्पिंग रेशियो की नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब होता है, डैम्पिंग रेशियो की अगर वैल्यू 0 है उसका क्या मतलब होता है। तो डैम्पिंग रेशियो के बारे में आपको बहुत ही प्रॉपर फॉर्म में ऐसा लिखते रहना चाहिए, डैम्पिंग रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव 0। तो आपको सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में आइडिया होना चाहिए कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या है। देखो सेकंड ऑर्डर सिस्टम लिख लिया, ये अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे को सेकंड ऑर्डर सिस्टम में अगर इसी स्टाइल में अगर मैं जाऊं, इसी स्टाइल में जाऊं और मैं बोलूं कि मेरे को इंपल्स रिस्पॉन्स चाहिए, तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स आपको निकालते आना चाहिए या पता होना चाहिए। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स पता होना चाहिए, रैम रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं है जब आप सेकंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ रहे, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप इंपल्स और स्टेप रिस्पॉन्स सेकंड ऑर्डर सिस्टम में जाना चाहिए, और स्टेप रिस्पॉन्स जो होता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, उसको तो आप 5 स्टार बोल सकते हो, 5 स्टार, ये 5 स्टार बोल दिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपको अच्छे फॉर्म में पता होना चाहिए कि जब आप सी ऑफ टी की वैल्यू लिखते हो 1 - e^-jटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 - g^2 स्क्वायर साइन ओमेगा dt प्लस थीटा, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम के स्टेप रिस्पॉन्स का रिजल्ट है। अब सेकंड ऑर्डर सिस्टम के स्टेप रिस्पॉन्स का रिजल्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस रिजल्ट में आपका इनपुट क्या है, इस रिजल्ट में आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका डीसी गेन कितना है। तो बहुत सारे लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता है, लोग सिर्फ इस रिजल्ट को याद कर लेते, जबकि ये रिजल्ट कंडीशनल है। ये रिजल्ट इस बात पे बेस करता है कि आपका जो इनपुट सिग्नल है वो स्टेप सिग्नल है जिसका हाइट 1 है, इस बात पे डिपेंड करता है कि जो डीसी गेन आप यूज करने वाले क्लोज सिस्टम का उसका डीसी गेन की वैल्यू 1 है, उस बात पे डिपेंड करता है ये। और अगर आप बात कर रहे हो कि ये एक स्टेप रिस्पॉन्स का अगर मैं फिगर बना रहा हूँ, टी इक्वल टू 0 पे 0 से स्टार्ट हो रहा है और फिर फाइनली ये 1 पे जा रहा है, दिस वन, ये तो ऐसा आपको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ऐसे फिगर बना के रख लेना चाहिए, दिस वन, ये सी ऑफ टी, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है बट इसकी फाइनल वैल्यू 1, ये तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का आप केयर करोगे। फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे को पैरामीटर की बात करना है, मेरे को तो रिवाइज करना है ना, तो मेरे को तो पता होना चाहिए पाई अपॉन ओमेगा डी होता है भाई, ये पीक टाइम होता है, ये आपके पास 2 पाई अपॉन ओमेगा डी होता है, ये 3 पाई अपॉन ओमेगा डी होता है, 3 पाई अपॉन ओमेगा डी,
अगर मैं बोलूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होता, तो ये होता है 2π/ω d, दैट मीन द फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन दिस वन। अगर मैं से कोई बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है पहली वाली जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितना होता, तो इसकी वैल्यू है 1+(e−g)π/√1−gτ2 दिस वन। ये फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट जो पीक वैल्यू है इसकी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वन से जो सेकंड वाली जो आपके पास वैल्यू है ये सब वैल्यू, अगर मैं बोलूँ कि देखो इसकी वैल्यू कितना होगा, तो इसकी वैल्यू पता है कितना होगा, 1+(e−3g)π/√1−gτ2। मतलब इस फिगर में से कोई चीज नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस, कम होगा 1 से, e−2g(π/√1−gτ2। ऐसी कोई चीज नहीं होना चाहिए इस फिगर में जो आपको ना पता हो। आपको कोई बोले कि नॉर्मलाइज डिफरेंस कितना होता है, तो मैक्सिमम पीक ओवर शूट पता होना चाहिए पहले वाले का, कि मैक्सिमम पीक ओवर शूट जो होता है e−g(π/√1−gτ2 होता है। और अगर जीटा कॉस थीटा है तो e−π cot θ हो गया। ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम पीक ओवर शूट। यहाँ से आप थीटा फाइंड आउट कर सकते हो, और थीटा से अगर मैं कॉस थीटा कर रहा हूँ तो जीटा निकल सकता है। ऐसे करके आपको रिवाइज करना होता है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एक स्टेप रिस्पॉन्स की बात करते हो, तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ आप निकालने के लिए रेडी रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए पीक टाइम क्या होगा, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि मैक्सिमम पीक ओवर शूट क्या होगा। हर एक जगह पे आपको फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 50% रीच करेगा, तो इसको डिले टाइम बोलते हैं, इसको डिले टाइम बोलते हैं, 50% रीच करने को डिले टाइम बोलते हैं। 0 से 100% रीच करने को राइज टाइम बोलते हैं। तो जब डिले टाइम की बात होती है सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, तो 1+0.7g/ω n होता है दिस वन। और अगर मैं राइज टाइम की बात करूं, तो राइज टाइम की वैल्यू π−θ/ω d होता है सेकंड। ये आपके पास अब सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रिजल्ट है, इसको फर्स्ट ऑर्डर में अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑर्डर के जो रिजल्ट थे वो थोड़ी देर पहले मैं लिखा था, फर्स्ट ऑर्डर के जो रिजल्ट थे वो डिफरेंट होते हैं। डिले टाइम अलग होता है, राइज टाइम अलग होता है। कई बार वो लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में चले जाते हैं और लोग इस फॉर्मूले को लगाने के चक्कर में रहते हैं, जबकि राइज टाइम आपके पास ये डिले टाइम का ये रिजल्ट है। सेटलिंग टाइम की बात करूं, तो सेटलिंग टाइम जब भी 2% एरर बैंड की बात होती है, तो सेटलिंग टाइम का जो आंसर होता है वो 4 tau होता है, द 4 tau। और अगर आप बोल रहे हो कि सेटलिंग टाइम अगर 4 tau है 2% एरर बैंड के लिए, और अगर ये अंडर डैम सिस्टम है, तो अंडर डैम सिस्टम में 4 और जीटा की वैल्यू 1/g(ω n) आपके पास, ये 1/g(ω n) सेकेंड, ये आपके पास हो गया सेटलिंग टाइम फॉर द अंडर डैम सिस्टम। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि जब मैं ओवर डैम सिस्टम की बात करता हूं, तो ओवर डैम सिस्टम में सेटलिंग टाइम का जो आंसर होता है 4/, जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/g(ω n−ω n√gτ2−1s होता है। ये आपके पास एक ओवर डैम सिस्टम का सेटलिंग टाइम होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये पता होता है, बुक में ये लिखा रहता है। तो वो लोग कई बार क्या कर देते हैं, ओवर डैम सिस्टम के लिए सेटलिंग टाइम पूछ लेते, और रिजल्ट विल बी डिफरेंट। रिजल्ट ये होगा 4/g(ω n−ω n√gτ2−1 होगा, जबकि लोग ये वाला रिजल्ट यूज करते। दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर अंडर डैम सिस्टम, दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर ओवर डैम सिस्टम। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को सेटलिंग टाइम के बारे में पता होना चाहिए, मेरे को राइज टाइम के बारे में पता होना चाहिए, मेरे को डिले टाइम के बारे में पता होना चाहिए, मेरे को पीक टाइम के बारे में पता होना चाहिए, मेरे को फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, मेरे को मैक्सिमम पीक ओवर शूट के बारे में पता होना चाहिए, मेरे को इवन ये पता होना चाहिए कि यहाँ का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मेरे को ये पता होना चाहिए यहाँ का मैग्नीट्यूड कितना होता है, हर एक जगह का मेरे को मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। और मेरे को फिर कैलकुलेशन भी आना चाहिए कि अगर मैक्सिमम पीक ओवर शूट दिया है तो मैं थीटा निकाल लूँ, और थीटा से जीटा निकाल लूँ, डैम्पिंग रेशियो, तब मैं बहुत इजी फॉर्म में सब चीज़ों को कनेक्ट कर सकता हूँ। तब क्यों प्रॉब्लम होगी? देखो आपके पास पूरा का पूरा स्टेप रिस्पॉन्स का मैं फिगर बना दिया। तो जब आप रिवाइज करते, तो आपके रिवीजन का नहीं, तो कई बार टाइम रिस्पॉन्स पता चला पिछले 4 घंटे से चल रहा हो, 4 घंटे से आप टाइम रिस्पॉन्स रिवाइज कर रहे हो, जबकि आपको खुद फिगर बनाना चाहिए, जबकि आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे कर पाओगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपको कितने अच्छे फॉर्म में पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स, और ये स्टेप रिस्पॉन्स है। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये स्टेप रिस्पॉन्स है। आपको पता होना चाहिए कि जब जीटा जीरो होता है, तो जब जीटा जीरो होता है आपके पास, तो ये परफेक्ट साइनोसोइडल सिग्नल बनता है, इंपल्स रिस्पॉन्स। ये स्टेप रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ, तो आपको पता होना चाहिए 0 से 2 के बीच में वैरी करता है, 1-cos(ω t) का फिगर बनता है, 0 से 2 के बीच में वैरी करता है ये, जब जीटा की वैल्यू जीरो है। अंडरडैम्प्ड ऑसिलेशन में स्टेप रिस्पॉन्स और इंपल्स रिस्पॉन्स अलग अलग होते हैं। अंडरडैम्प्ड सिस्टम की बात करूँ, तो अंडरडैम्प्ड सिस्टम में ये स्टार्ट होता है आपके पास 0 से, और एंड भी 0 पे होता है, दिस वन स्टाइल, ये 0 से स्टार्ट होता है और एंड भी 0 पे होता है, जबकि ये ऐसा होता है आपके पास कि 0 से स्टार्ट होता है और 1 पे एंड होता है, स्टडी स्टेट वैल्यू, दिस द अंडरडैम्प्ड सिस्टम। इनके हिसाब स्टेप रिस्पॉन्स, ये इंपल्स रिस्पॉन्स का अंडरडैम्प्ड सिस्टम। अगर आप क्रिटिकल टाइम, ये जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, क्योंकि देखो कितना भी मैं बोलते रहूंगा आपके पास, ये तो मैं रिवीजन के स्टाइल में बोल रहा हूँ और फास्ट बोल रहा हूँ, जिससे कि आप समझ सके कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए और कैसे सोचना है। अगर मैं बोलूँ कि क्रिटिकल टाइम के लिए क्या होता है इंपल्स रिस्पॉन्स में, तो पता क्रिटिकल टाइम सिस्टम के लिए ऐसा होता है, दिस वन इज द क्रिटिकल टाइम सिस्टम इन केस ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स। और अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कितना होता है, तो पता आपके पास यहाँ पे ऐसा होता है, दिस वन, ये क्रिटिकल टाइम सिस्टम में स्टेप रिस्पॉन्स का रिजल्ट है, दिस वन। अगर मैं बोलूं कि ओवर डैम सिस्टम में क्या होता है, तो ओवर डैम सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स ऐसा होता है, दिस वन,
ये ओडेम सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस है। अगर आपको पता है कि ओडेम सिस्टम का स्टेप रिस्पांस क्या होगा, तो ओडेम सिस्टम का स्टेप रिस्पांस जो होता है वो ऐसा होता है, दिस वन। देखने में आपको लगता है कि ये सिस्टम और ये सिस्टम सेम है, बट ये फास्ट है, ये फास्ट है और ये स्लो है। इस पर क्वेश्चन भी फ्रेम होता है जब आप बोलते हो कि एक ओडेम सिस्टम का स्टेप रिस्पांस ये है और ओडेम क्रिटिकल डैम सिस्टम का स्टेप रिस्पांस ये है, बोथ फिगर्स आर सेम बट ये फास्ट है और ये स्लो है, दोनों देखने में सेम लगते हैं, दोनों ही जीरो से वन जा रहे हैं। तो ऐसा करके जब आप केयर करते हो तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा चीजें कलेक्ट होती जाती है, क्योंकि एक बिग चैप्टर है, बिग चैप्टर में बहुत सारी चीजें। तो मैं बोल रहा हूं कि इस पहले ये जो टाइम रिस्पांस वाला चैप्टर है, इसमें आपको इतनी सारी चीजें पता होना चाहिए, इसी पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इन्हीं पैरामीटर पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए, चाहे फिर आप नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कौन से, जो फेमस सेकेंड ऑर्डर इलेक्ट्रिक सर्किट है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, एग्जाम में सेकेंड ऑर्डर सिस्टम किस टाइप की बात की जा सकती है। तो एग्जाम वाले लोग एक सीरीज आरएलसी नेटवर्क के बारे में बात करना पसंद करते हैं, सीरीज आरएलसी नेटवर्क, ये सीरीज आरएलसी नेटवर्क है, भले चाहे आप कंट्रोल सिस्टम रिवाइज कर रहे हो, लेकिन सीरीज आरएलसी नेटवर्क है। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जीटा निकालते आना चाहिए, जीटा आपको जीटा निकालते आना चाहिए, आपको क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू 1/2 जीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको डैम्पिंग निकालते आना चाहिए, कल कोई बोल देगा कि ये 1 ओम है, ये आपके पास 2 हेनरी और ये 3 फेरेड है, बताओ आपके पास कि ये कौन सा सिस्टम है, अंडर डैम्ड है, ओवर डैम्ड है, तो सब आपको पता होना चाहिए। कोई अगर बोल देगा कि चलो आर की वैल्यू बताओ फॉर द क्रिटिकल डैम सिस्टम, तो फिर जीटा की वैल्यू 1 पुट करते आना चाहिए। तो यहाँ पे जीटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वालिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जीटा और क्वालिटी फैक्टर के बीच का रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सीरीज आरएलसी नेटवर्क जब आप बात करते हो, तो सिमिलरली आप पैरेलल आरएलसी नेटवर्क के बारे में, आपको फिर पैरेलल आरएलसी नेटवर्क में आपको जीटा निकालते आना चाहिए कि पैरेलल आरएलसी नेटवर्क का डैम्पिंग रेशो क्या होता है। द पैरेलल आरएलसी नेटवर्क सी एल और आर, ये द पैरेलल आरएलसी नेटवर्क। इस पैरेलल आरएलसी नेटवर्क का आपको जीटा पता होना चाहिए, इस पैरेलल आरएलसी नेटवर्क का क्वालिटी फैक्टर पता होना चाहिए, क्वालिटी फैक्टर इज ऑलवेज 1/2 जीटा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो ऐसी चीजें जब आप केयर करते हो तो फिर आपके पास ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। तो एक सीरीज आरएलसी नेटवर्क में आपके पास पता होना चाहिए कि ट्रांसफर फंक्शन का स्टाइल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि डैम्पिंग रेशो को कैसे करते हैं, फिर डैम्पिंग रेशो से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो पूरे के पूरे आप बात कर सकते हैं, पूरे के पूरे बात कर सकते हैं। तो आपको एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क के अंदर में ये बात पता होना चाहिए। फिर इसका जो टाइम रिस्पॉन्स में जो एक और टॉपिक आता है, टाइम रिस्पॉन्स में एक और जो टॉपिक आता है वो आता है एरर का। जब आप एरर की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टडी स्टेट एरर, स्टडी स्टेट एरर, ये स्टडी स्टेट एरर। जब मैं स्टडी स्टेट एरर की बात करता हूँ, तो देखो आपके पास जब भी आप स्टडी स्टेट एरर की बात करेंगे, आपको ये फिगर बनाना चाहिए, यूनिटी फीडबैक सिस्टम बनाना चाहिए। जब भी क्वेश्चन फ्रेम होगा आपके पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम में फ्रेम होगा, 99% चांसेस है। स्टडी स्टेट एरर का जो कॉन्सेप्ट है यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए बहुत ही परफेक्ट है, फिर ये वाला चीज़ कभी किसी को प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। लेकिन आपको पता होना चाहिए फिगर, इसमें फिर आपको केपी के बारे में पता होना चाहिए, केवी के बारे में पता होना चाहिए, के बारे में पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि फिर इनपुट आपके पास यू ऑफ टी है तब क्या होगा, आपके पास इनपुट अगर रैम सिग्नल है तब क्या होगा, अगर इनपुट अगर आपके पास पैराबोलिक सिग्नल है तब क्या होगा, बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये स्टडी स्टेट एरर का बेसिक पार्ट है। अगर ये फिगर नहीं दिया तब आप बहुत केयर करना, जितने भी रिजल्ट है, जो जितने भी रिजल्ट है, ऑल रिजल्ट आर वैलिड फॉर दिस फिगर। और धोखे से अगर कोई नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के बारे में बात कर दिए कभी, दिस वन, ये नॉन यूनिटी फीडबैक, तो ये एम्बिग्यूटी टॉपिक है। ये कैसा एम्बिग्यूस टॉपिक है जिसमें पूरे इंडिया अलग अलग बात करते हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग बात करते हैं, इवन अलग अलग बुक वाले अलग बात करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे टॉपिक जहाँ पे लोग अलग अलग बात करते हैं, इसका मतलब है कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं है। तो ऐसे टॉपिक में बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है कि बहुत बैठ के आप वर्कआउट कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो इसमें क्या होगा। अरे तो एक दो टॉपिक हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में इस टाइप की चीज़ें रहती है। जैसे पूरे कंट्रोल सिस्टम में एक या दो ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में लोग अलग अलग बोलते हैं। आईआईटी का प्रोफेसर, आईआईटी कानपुर का जो प्रोफेसर होगा दूसरी बात करता होगा, दूसरे आईआईटी के प्रोफेसर दूसरी बात करते होंगे। तो ऐसे एक दो टॉपिक होते हैं, बट फिर भी अगर आपको एकदम परफेक्ट फॉर्म चाहिए एक नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम में, अगर स्टडी स्टेट एरर का कंसेप्ट देखना है, तो फिर आप मेरा वीडियो सर्च करो और कंसेप्ट ऑफ स्टडी स्टेट एरर इन नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम आप यूट्यूब में जाओ, वहां पे आपको मैं सब कुछ बताया हूं कि लोग गलत कैसे कैसे करते। पहले मैं ये बताया हूं कि लोग कितने तरीके से गलत करते, और उसके बाद जो सही तरीका है वो भी आपको दिख जाएगा। तो आप अगर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के कंसेप्ट में जाना चाहते हो, मैं जो बुक रेफरेंस यूज किया हूं वो यूज़ किया हूँ मैं कू की बुक, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम बाय कू, बहुत ही बेस्ट बुक है। उसमें ये कंसेप्ट दिया है, कुछ पेपर पब्लिश जो लोग किए उसमें भी कंसेप्ट दिया है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि इतना ऐसे टॉपिक में इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है जिस टॉपिक के बारे में लोग अलग अलग पॉइंट रखते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है तो मेरे वीडियो में जाइएगा और नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के कंसेप्ट को देखिएगा, वहाँ पर मैं क्वेश्चन भी कराया हूँ, वैरायटी ऑफ केसेस भी ले लिया हूँ। तो कंसेप्ट ऑफ नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम मेरे वीडियो के थ्रू आप आइडिया ले सकते हैं, और यूनिटी फीडबैक सिस्टम का तो आइडिया सभी को है और बेसिक बेसिक रिजल्ट सभी को पता है। तो
तो ये हुआ स्टडी स्टेट एरर से रिलेटेड, और स्टडी स्टेट एरर से जो रिलेटेड पार्ट है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन याद रखना कि ऐसा ना हो कि फिगर ऐसा रैंडम फिगर हो और रैंडम फिगर में कोई स्टडी स्टेट एरर पूछ रहा हो और आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, नहीं। फिर आपको क्लियर रहना चाहिए कि अगर कोई फिगर रैंडम है, कुछ कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, पता चला कि आर ऑफ एस की वैल्यू ये है और आर ऑफ एस को जो कनेक्ट कर रहे हो ऐसा भी कनेक्ट कर दे रहे हैं अपन, यहाँ से भी कनेक्ट कर दे रहे, ऐसा कुछ ना कुछ और पॉसिबिलिटी और ये एरर है, तो ये फॉर्मूला इज नॉट अप्लीकेबल फॉर दिस फिगर। तो फॉर्मूला आपके पास एक स्टैंडर्ड फिगर का फॉर्मूला है जिसको सब लोग यूज करते हैं, लेकिन फिगर में अगर कुछ चेंजेस है तो फिर आपको एरर निकालना है, तो फिर नॉर्मल सॉल्व करो, एरर ट्रांसफॉर्म निकालो और उसमें फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दो, तो स्टडी स्टेट एरर आ जाएगा। बट दिस कंसेप्ट इज वैलिड फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम, और अगर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो फिर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम का तो अपना कंसेप्ट होता है। तो ये है टाइम रिस्पॉन्स चैप्टर के बारे में, जिसमें मैं बोला कि आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का गुड आइडिया होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का गुड आइडिया होना चाहिए, उनके पैरामीटर का गुड आइडिया होना चाहिए, कैलकुलेशन का गुड आइडिया होना चाहिए, आपको सीरीज आरएलसी और पैरेलल आरएलसी में डैम्पिंग रेशियो का गुड आइडिया होना चाहिए, आपको स्टडी स्टेट एरर के बारे में पता होना चाहिए, और आपको ना हर इन पूरे चैप्टर में आप 3 से 4 गुड क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो, बस काफ़ी है। 5 क्वेश्चन को आप देख लो, स्टडी स्टेट एरर से 1 या 2 क्वेश्चन देख लो, आप स्टेप रिस्पांस का कुछ गुड क्वेश्चन देख लो जिसमें कैलकुलेशन होता है, क्योंकि फाइनली तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप कंसेप्चुअल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का एक आधी क्वेश्चन देख लो, ऐसे करके ना आप रिवाइज करते हो तो फास्ट रिविजन होता है। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ आया होगा कि एक टाइम रिस्पॉन्स वाले चैप्टर को कितने अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। आपको बेस्ट फॉर्म में पता होना चाहिए, डैम्पिंग रेशियो का जो बेस्ट कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, आपको पॉजिटिव डैम्पिंग और नेगेटिव डैम्पिंग के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव डैम्पिंग रिप्रेजेंट द अनस्टेबल सिस्टम, पॉजिटिव डैम्पिंग रिप्रेजेंट द स्टेबल सिस्टम। तो कई बार वो लोग ट्रांसफर फंक्शन में भी चेंजेस कर लेते हैं, कई बार वो इस टाइप की बात कर लेते हैं कि एक ट्रांसफर फंक्शन है, ये जैसे ट्रांसफर फंक्शन, ये ट्रांसफर फंक्शन 100 upon s² - 10s + 100 है। अब ये जो सिस्टम आपको दिख रहा होगा, इस सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सिस्टम है आपके पास, ये नेगेटिव डैम्पिंग की वजह से, क्योंकि जीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो जो रिस्पांस होगा अनस्टेबल होगा। तो कई बार ऑप्शन ऐसे फ्रेम करते हैं कि एक ऑप्शन अनस्टेबल है और बाकी 3 के 3 स्टेबल है, तो आपको पता होना चाहिए नेगेटिव डैम्पिंग रिप्रेजेंट द अनस्टेबल सिस्टम। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का आप अगर केयर करोगे तो चीज़ें ना उतनी टफ नहीं जाएगी। तो मैं अपना पूरा का पूरा जो मैं जो सोचता हूँ उस बारे में मैं पूरी की पूरी बात रखते जा रहा हूँ कि आप ऐसा सोच पाते हो क्या। तो अगर आप मेरी पूरी बातों को सोच रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि सर ये बोले ये हमको पता है कि नहीं। तो ये मैं बात किया टाइम रिस्पांस के बारे में, तो मैं अभी बात कर देता हूँ आर एस टेबल के बारे में, राउथ हुरविट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर देता हूँ कि चैप्टर नंबर 4 में आपको किन किन चीज़ों का केयर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ऐसे आगे करके बताते जाता हूँ, तो हमारी पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरा बस जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस बात पे है कि आप अपनी चीज़ों को अच्छे से केयर करें, आपको ये टॉपिक आना चाहिए, आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट होना चाहिए, जब आप क्वेश्चन को देखते तो रिस्पॉन्ड बहुत फास्ट करना चाहिए, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस टाइप से केयर करता हूँ कि आप ऐसे चीज़ों को समझें, ठीक है। तो चलो मैं आर एस टेबल के बारे में बात कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं लगभग प्लानिंग बताया आपको, 3 चैप्टर की प्लानिंग बता चुका हूँ। 4 चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, चैप्टर नंबर फोर में ना राउत हुरविट्स स्टेबिलिटी, नॉर्मली ये चैप्टर सबसे सिंपल है और सब लोगों को आता भी है, बट फिर भी मेरे को लगता है कि आपको फटाफट अगर कोई क्वेश्चन रिवाइज करना है तो आप ऐसे 1-2 क्वेश्चन ले सकते हो, जैसे आपको लेना है तो आपको देखना है तो आप ऐसा ले सकते हो कि एक कोई आपके पास ये +J2 है, ये -J2 है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया, ये -1 पे आपके पास है, ये -2 पे है, ये +2 पे है, देखो कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5। इससे ना एक पॉलिनॉमियल बनाओ, इसको देख के एक पॉलिनॉमियल बनाओ और उसमें लगाओ आर एस टेबल, और उसमें आर एस टेबल लगाओ और फिर देखो कि यही आ रहा है कि नहीं, तो क्रॉस चेक हो गया। और आपके पास अगर लेना है तो पॉलिनॉमियल खुद से क्रिएट कर लो ना, नए क्वेश्चन के लिए सर्च मत करो। ये देखो +J2 +J2 2 बार ले लिया, ये +J2 ले लिया, -J2 -J2 आपके पास ही हो गया, तो टोटल 4 तो यही हो गए, टोटल 4 यही पे हो गए। फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो आपके पास टोटल 4 यहाँ पे हो गए, ये -2 है 5, ये +2 है 6, ये हो गया, ये देखो इसमें देखो आपके पास अप्लाई करो तो आपको पता चलेगा कि रो ऑफ जीरोस का कंसेप्ट क्या होता है, आर ओ जेड का कंसेप्ट क्या होता है, सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में जब आप बात करोगे तो हो जाएगा, आपको क्लियर रहना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो आपके पास ये -2 है, ये +2 है, ये +J2 है और ये -J2 है, कितने हो गए आपके पास 4, इस पर आप लगा लो। ऐसे 2-3-4 क्वेश्चन पे आर एस टेबल फटाफट अप्लाई कर लो और सेम चीज आना चाहिए। आपको आर ओ जेड का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि रो ऑफ जीरो का कंसेप्ट क्या होता है, इट्स गुड कंसेप्ट। आपको पता होना चाहिए कि जो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू, जब आप बोलते हैं लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, इसका जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। द स्पेशल केस ऑफ आर एस टेबल, रो ऑफ जीरो इज द स्पेशल केस ऑफ आर एस टेबल, सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि रो ऑफ जीरो क्या सिग्निफाई करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, रो ऑफ जीरो
इसका क्या सिग्निफिकेंस है, रूट्स का बिहेवियर कैसे होता है, ये पूरा का पूरा एक पार्ट है। मैं क्वेश्चन इसलिए बता दिया कि आप तुरंत के तुरंत इस पर आप एक बना लो पॉलिनोमियल और तुरंत के तुरंत क्रिएट कर लो, हो गया आपका रिवीजन। फिर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है तो एक आदि आपके पास कंडीशनल सिस्टम पे बेस्ड फ्रेम हो जाते हैं कि क्वेश्चन है आपके पास के अपॉन एस 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 प्लस वन एस प्लस टू ऐसा आपके पास लिख दिया जाता है क्वेश्चन और लिखा रहता है कि फाइंड द रेंज ऑफ के फॉर द स्टेबिलिटी। ये के का रेंज फाइंड आउट करना है स्टेबिलिटी के लिए, तो के का रेंज फाइंड आउट कर लेंगे फॉर द स्टेबिलिटी। तो कंडीशनल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन जो है आपके पास जिसमें कि के इन्वॉल्व है, तो के वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, के वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है फॉर द स्टेबिलिटी। कई बार मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए फॉर्म करना पड़ता है तो फिर आपको आर ओ जेड बनाना रहता है और के मार्जिनल की वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है। या आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी कभी कभी पूछते हैं तो आपको ऑक्जिलरी इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन भी निकालते आना चाहिए। तो ऐसे इस चैप्टर में ऐसे 2-3 टाइप के कंसेप्ट हैं जो कि किसी को अच्छे फॉर्म में पता होना चाहिए जब वो रिवाइज कर रहा है। तो जब वो रिवाइज कर रहा है तो किसी को इस टाइप के कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। तो फिर मेरे को लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा स्टेबल में, इतनी ही चीज़ें बाकी लोगों को आर एस टेबल सॉल्व तो करते आता ही। एक हायर ऑर्डर को आप जब भी हैंडल करोगे तो लोअर ऑर्डर भी आपसे हैंडल होगा, बस आपका केयरिंग वाला पार्ट बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो ऐसे चैप्टर में मेरे को नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते इसमें, और कोई क्या कर लेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम की जरूरत ही नहीं है। तो आर एस टेबल फटाफट 30 मिनट 40 मिनट्स में रिवाइज होना चाहिए, 2-3-4 क्वेश्चन फटाफट निकाले तुरंत सॉल्व किए। तो अपना रिवीजन तब होगा जब आप करोगे, अपना सिर्फ देखोगे तो रिवाइज नहीं होगा। तो मेरे को लगता है कि अगर आपको चाहिए रिवीजन तो आप लिख के देखो फटाफट, अपने आप को ना चेक करने की कोशिश करना चाहिए, मतलब एकदम मोमेंटम होना चाहिए, ऐसी फीलिंग आना चाहिए कि अगले 2 घंटे में मैं ये कर दूंगा, अगले 4 घंटे में मैं ये कर दूंगा। जैसे गेट के पेपर में जब आप देते हो तो कैसे फोकस रहते हो, तो पढ़ते समय भी फोकस रहो आप, एकदम पढ़ते समय अगर फोकस रहोगे तो आप देखो एक दिन के अंदर में कितनी सारी चीज़ें होती है। आप ना एक दिन 14 से 15 घंटे निकालो और गजब का पूरा फोकस करके पूरा जान लगा दो 15 घंटे, आप देखो 15 घंटे में कितनी सारी चीज़ें कवर होती है। इतना आप कभी करते नहीं हो, तो इतना अगर आप करोगे तो 15 घंटे 15 घंटे ऐसे 3 दिन अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा गुड, इसको बोलते हैं कंसेप्ट। तो आप ऐसे फोकस होकर पढ़ो, चीज़ें आराम से होगी आपके पास। तो ये आर एस टेबल से रिलेटेड है जिसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि कंडीशनल स्टेबिलिटी पे बेस अगर कोई क्वेश्चन आता है, आर ओ जेड पे बेस कोई क्वेश्चन आता है, कुछ नॉर्मल सा कोई क्वेश्चन की बारे में बात होती है तो ये आपको आइडिया रहना चाहिए। कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं आर एस टेबल में, अब तो मैं मतलब आर एस टेबल तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, बट कुछ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं तो उसको भी आपको हैंडल करते आना चाहिए। आप अगर सेल्फ स्टडी किए हो तो कुछ अच्छी बुक्स पढ़े होंगे, अगर कोचिंग में अगर आप पढ़े होंगे तो कुछ अच्छे पॉइंट्स भी नोट किए होंगे। तो जितने भी पॉइंट्स आपके कोई भी नोट्स में पढ़ाता है, जो मैं पढ़ाता हूँ या दूसरे कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, उसको अंडरलाइन करके रखना चाहिए, जिसको कि ऐसे पॉइंट जो कि कभी कभी पलटते पलटते देखने आना चाहिए। और ये ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिस का पार्ट है, फटाफट सॉल्व किए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बस देखते रहे, हाँ गुड पॉइंट है, इस चीज का केयर करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे साइन चेंज होता है तब क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे साइन चेंज नहीं होता तब क्या होता है। तो कुछ कुछ जो गुड कंसेप्ट है वो भी पता रहना चाहिए अगर आप किसी कोचिंग या सेल्फ स्टडी में किए हो तो, ये आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो मैं बोला कि देखो ये राउथ हुरविट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है, फिफ्थ वाला जो होता है आपके पास, फिफ्थ अगर मैं बोलूँ कि ये रूट लोकस, ये रूट लोकस, तो रूट लोकस में आप अगर मेरे को लगता है कि मेरा वीडियोस भी देखे होंगे यूट्यूब में जो वीडियोस होगा, तो रूट लोकस में मैं ट्राई किया था कि 1-1.5 घंटे में रूट लोकस की पूरी चीज़ों को कवर कर लूँ। तो मेरे को लगता है कि आप यूट्यूब वीडियो का जो मेरा जो यूट्यूब वीडियो है अगर उसके पूरे पॉइंट्स को अगर देखोगे तो रिविजन हो जाएगा। यूट्यूब का जो वीडियो आपके पास अगर मैं बोलूँ तो उसको पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल में जो गेट अकेडमी का यूट्यूब चैनल है उसमें अगर आप जा रहे हो तो अगर आपको देखना है तो मेरे को लगता है कि पूरा का पूरा कवर हो सकता है, पूरे पॉइंट्स कवर हो सकते हैं। तो आपको ऐसे केयर करते आना चाहिए, ठीक है। बट फिर भी अगर मैं बोलूँ तो आपको किस टाइप की चीज़ें आना चाहिए, अगर आपको एक आदि जनरलाइज क्वेश्चन लेना है तो आप जनरलाइज क्वेश्चन ऐसा ले सकते हो कि एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है और यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में आपको पता ही है कि के की वैल्यू आपके पास वैरी होगा, तो के अपॉन एस एस प्लस वन एस प्लस टू ऐसा ले लिए आपको, ये जी माइनस टू माइनस वन जीरो, आपको पता ही है कि जो बनने वाला आपके पास वैसा बनने वाला है, देखो ये और ये कैसा बनने वाला है, ये फिर आपके पास आपको पता होना चाहिए कि रूट लोकस में कोई भी एक दो क्वेश्चन ले लो आप, उसमें आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या है, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट क्या है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट क्या है, आपको सेंट्रॉइड का कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर रूट लोकस एग्जिस्ट करता है, उसके राइट साइड में ऑड नंबर होना चाहिए, ऐसा बेसिक सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब आप पढ़ना चालू करोगे, रिविजन करना चालू करोगे, तो आपको रूट लोकस और कंप्लीमेंट्री रूट लोकस के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। आपको सॉल्व करते आना चाहिए कि जगह पे जो ब्रेक पॉइंट्स होगा, ब्रेक अवे पॉइंट जो होगा उसके बारे में पता होना चाहिए, तो आपको ब्रेक अवे पॉइंट्स और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, गुड क्वेश्चन पे बन सकता है। आपको के की वैल्यू निकालते आना चाहिए ब्रेक अवे पॉइंट पे, अगर ब्रेक अवे हो रहा है तो के की वैल्यू निकालते आना चाहिए ब्रेकिंग पॉइंट पे, यहां तो ब्रेकिंग हो नहीं रहा है बट ये आना चाहिए। तो ये के का कैलकुलेशन पे क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रेक अवे और ब्रेकिंग पॉइंट पे के का कैलकुलेशन क्या होता है, तो के की वैल्यू आना चाहिए। तो आप एक या दो जनरलाइज क्वेश्चन लो और उसमें सब कुछ सॉल्व कर डालो, सब कुछ मतलब सब कुछ,
तो फिर चीज़ें बनने के चांसेस बहुत अच्छे फॉर्म में रहेंगे आपके पास, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको ऐसे केयर करते आना चाहिए ऐसा मेरे को लगता है। अब अगर मैं बात करूं आपके पास, तो ऐसे 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 वाले क्वेश्चन में आप अगर एक कैटेगरी इस टाइप की क्वेश्चन की जिसमें बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन फ्रेम होते रहते हैं, बेसिक कैलकुलेशन पे बेस बात होती रहती है, ये रूट लोकस का स्टाइल है। सेकेंड, आपके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन का भी केयर करना चाहिए जहाँ पे आपके पास मल्टीपल पोल्स होते हैं, और मल्टीपल पोल जब होते हैं आपके पास, अगर मैं बात करूँ कि जब मल्टीपल पोल्स होते हैं, लाइक अगर किसी को बोला जाए कि मेरे पास माइनस वन पे फोर पोल है, अब -1 पे 4 पोल है तो समझ रहे हो ना कि एंगल ऑफ एसिम्प्टोट जो होगा ये 45 होगा, ये पूरा का पूरा आपके पास जो एसिम्प्टोटिक लाइन होगा वही रूट लोकस होगा, दिस वन, ये एसिम्प्टोटिक लाइन दिस वन। इसमें भी कोई बोल दिया आपके पास कि जीटा की वैल्यू आपके पास 0.707, ये जीटा की वैल्यू का एक लाइन खींच लो, जीटा इक्वल टू 0.5, एक 0.707, ऐसे दो पॉइंट बना लो, दो क्वेश्चन बना लो, फिर जिस पॉइंट पर कट करेगा वहाँ पे के की वैल्यू बताओ, तो आपके पास एक सिस्टम हो गया, ये जीएचएस की वैल्यू हो गया, और जीएचएस की वैल्यू हो गया के अपॉन S+1⁴, और मेरे को K की वैल्यू चाहिए जीटा इक्वल टू 0.5 पे, इज गुड, K की वैल्यू चाहिए मेरे को जीटा इक्वल टू 0.707 पे, तो क्या आप ये निकाल सकते हो? तो सब लोग नहीं निकाल सकते, ये तो वही निकाल पाएगा जिसको बहुत बेहतरीन फॉर्म में पता है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिकल कैलकुलेशन ऑफ क्या K क्या होता है, ग्राफिकल कैलकुलेशन जो होता है K का, ग्राफिकल कैलकुलेशन वो फिर किसी को आना चाहिए, ग्राफिकल कैलकुलेशन कि K इक्वल टू क्या होता है, तो K इक्वल टू जो होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ गिवन पॉइंट टू पोल डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ गिवन पॉइंट टू जीरो, जो भी आपके पास प्रोडक्ट होता है, जो भी लेंथ होता है उसका प्रोडक्ट होता है वो पोल से, और फिर प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ गिवन पॉइंट टू जीरो, ये इसके दोनों का जो रेशियो होता है वो के की वैल्यू होती है। तो मैं पहले बोल रहा हूँ कि देखो मैं इतना फास्ट क्यों बोल रहा हूँ, इतना फास्ट क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई टॉपिक तो पढ़ा नहीं रहा, और किसी अभी सबका एग्जाम चलने वाला है, तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी का टाइम वेस्ट हो, मेरे वीडियो को कोई बहुत आराम से देख रहा हो उसका टाइम वेस्ट हो, मैं चाहता हूँ कि सब समझे कि मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब एग्जाम आप देने जा रहे हो तो आपको रिवीजन का मोड कैसे होना चाहिए, तो मैं बोला आपके आप जीटा इक्वल टू 0.5 0.707 पे कर लो। आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास पोल्स रिपीटेड होते हैं तो ब्रेक पॉइंट भी यही, द ब्रेक अवे पॉइंट इज -1, ब्रेक अवे पॉइंट भी यही है आपके पास, यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर के की वैल्यू निकाल लो फोर्थ ऑर्डर सिस्टम के लिए, क्योंकि सब तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम में फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर सिस्टम में तो लोग जीटा को हैंडल नहीं कर सकते, तो इसके लिए रूट लोकस की जरूरत पड़ती है, तो रूट लोकस की हेल्प से आप एक फोर्थ ऑर्डर सिस्टम को भी हैंडल कर सकते हो। तो ऐसा करके आपको सोचते आना चाहिए, ये पहला वाला पार्ट है। अगर आप रूट लोकस के बारे में अगर आपके पास जानते हो तो फिर आपको ऐसा आइडिया होना चाहिए कि मैं एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, सपोज करो एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ के अपॉन S+1 S+2 और S+3, दिस वन, अब इसका पोल जीरो डायग्राम बनाऊंगा तो ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा -2, और ये आपके पास आ गया -3। अब मेरे को पता चाहिए एडजेसेंट पोल्स, इसके पीछे ब्रेकअवे पॉइंट होगा, और ये लेफ्ट मोस्ट जीरो का कंसेप्ट है, तो लेफ्ट मोस्ट जीरो के लेफ्ट में ना ब्रेकिंग पॉइंट होता है, तो पता है आपके पास इसका जो फिगर होता है, इसका जो लोकस होता है वो होता है एक सर्कल, ये सर्कल होता है इसका लोकस, तो आपको भी पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पे ब्रेकअवे पॉइंट्स होगा और यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट्स होगा। तो ऐसे करके अपने कंसेप्ट को क्रिएट करते रहना चाहिए कि देखो यहाँ पे ब्रेकअवे पॉइंट्स होने वाला है, दिस द ब्रेकअवे पॉइंट्स, और ये जो लेफ्ट मोस्ट जीरो होता है इसके लेफ्ट में एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होता है पता है इस कंसेप्ट में, सबसे इंटरेस्टिंग बात सेंटर का, अभी तो सर्कल बहुत परफेक्ट नहीं बना, जो सर्कल होता है इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट यही होता है जो लेफ्ट मोस्ट जीरो होता है, तो -3, 0 सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है, इसी पे तो क्वेश्चन फ्रेम कर देते वो लोग। तो ये देखो यहां से एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ये दिस बन गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बोलूं कि K की वैल्यू निकालो ब्रेक अवे पॉइंट पे, तो निकाल लो भाई, K की वैल्यू निकालो ब्रेक इन पॉइंट पे निकाल लो, आपको ब्रेक अवे पॉइंट की वैल्यू पता होना चाहिए, आपको ब्रेक इन पॉइंट की वैल्यू पता होना चाहिए, तो यही सब तो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपका कैलकुलेशन बहुत गुड होना चाहिए और कंसेप्ट बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। आपको जब भी सर्कल बनता है तो आपको रेडियस के बारे में आइडिया होना चाहिए, जिस भी जगह पे सर्कल बनता है आप रेडियस का केयर करो और सेंटर के कोऑर्डिनेट का केयर करो। तो ऐसे क्वेश्चन जिस में ऐसे 2-3-4 क्वेश्चन कलेक्ट कर लो पहले, तो अपनी कॉपी से या सेल्फ स्टडी किए होंगे या किसी कोचिंग में पढ़े होंगे, तो वो सब क्वेश्चन को कलेक्ट करो जहाँ पे लोकस सर्कल बनता था, और उन क्वेश्चन को जब अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ चीज़ें कॉमन दिख जाएगी कब सर्कल बनता है। तो ऐसे करके रिविजन होता है। तो मेरे पास तो जितना भी, मैं भोपाल की क्लास में अभी देख लो, ये मेरा जो सेटअप है ये भोपाल की क्लास में है, तो जस्ट मैं अभी क्लास से अभी निकला, लगभग 6-9 क्लास होती है, तो फिर मेरे को लगा कि कंट्रोल सिस्टम का आपका दे देता हूँ, लगभग 10-20 हो रहा है ना, और मैं सोचा कि कंट्रोल सिस्टम के बारे में कुछ बात कर देता हूँ, थोड़ा बहुत अगर किसी का हेल्प हो पाए तो इज वेरी गुड। आप रिविजन मोड में मेरी बातों को अगर ध्यान से सुनोगे तो छोटी छोटी चीज़ों का केयर करोगे कि ऐसे केयर करना चाहिए आपको। तो मैं बोला कि ये एक कंसेप्ट है जिसमें कि आपको ब्रेक पॉइंट पता होना चाहिए, ब्रेक अवे ब्रेक इन, आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट पता होना चाहिए, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट पता होना चाहिए, सेंट्रोइड पता होना चाहिए आपको,
आपको पता होना चाहिए कि रूट लोकस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, आपको पता होना चाहिए रूट लोकस और कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस के बीच में डिफरेंस क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप के जो फिगर होते हैं जो लोकस सर्कल बनता है वो कब बनता है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल कैलकुलेशन आप के क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जब आप मैग्नीट्यूड कंडीशंस की बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जीएचएस की जो वैल्यू होती है, एस की कोई भी वैल्यू, एक्स प्लस जे वाई जो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वो रूट लोकस एग्जिस्ट करता है तो उसका मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होना चाहिए, अगर मैं एंगल की बात करूं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे और अगर वो पॉइंट रूट लोकस पे तो 180 डिग्री फेस शिफ्ट होना चाहिए, तो इसको फेस कंडीशन बोलते हैं, इसको मैग्नीट्यूड कंडीशन बोलते हैं, तो मैग्नीट्यूड कंडीशन और एंगल कंडीशन दोनों पता होना चाहिए। नॉर्मली किसी भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट को चेक करने के लिए आप एंगल कंडीशन यूज करते हो, रूट लोकस में कौन सा कॉम्प्लेक्स पॉइंट वैलिड है कि नहीं आप एंगल कंडीशन चेक करते हो, और अगर आपको ये बात पता है कि एंगल कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो आप के की वैल्यू ना मैग्नीट्यूड कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में भी आते हैं, तो आप मैग्नीट्यूड और एंगल की कंडीशन से रूट लोकस में चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैग्नीट्यूड और एंगल की कंडीशन से आप रूट लोकस में अगर मैं के की वैल्यू निकाल पाया, एंगल की कंडीशन से मैं चेक कर पाया कि कौन सा पॉइंट वैलिड पॉइंट होगा, तो ये बहुत ही गुड होगा। तो जस्ट ऐसा आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो लास्ट कंसेप्ट होता है आपके पास, एक और जो कंसेप्ट होता है वो होता है एंगल ऑफ डिपार्चर। एंगल ऑफ डिपार्चर आपको पता होना चाहिए कि 180 माइनस 5 होता है, एंगल ऑफ अराइवल जो होता है 180 प्लस 5 होता है। तो एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल जो है वो ग्राफिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड है, ग्राफिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड है। तो कोई भी दो क्वेश्चन सिलेक्ट करो और दो क्वेश्चन में आप एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल निकाल लो, और आपको लगता है तो मेरे YouTube वीडियो में जाओ और एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल पे बेस में बात किया हूँ, तो वो भी आपके लिए एडवांटेज है। तो डिपार्चर और अराइवल का रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जो इसलिए मैं बोला कि मेरे YouTube वीडियो को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो कंट्रोल सिस्टम में बहुत सारा एडवांटेज ले सकते हो रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एंगल ऑफ डिपार्चर एंगल ऑफ अराइवल पे बेस क्वेश्चन आते हैं, कुछ बहुत कंसेप्चुअल नहीं होते लेकिन कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद क्या होता है, लास्ट जो रूट लोकस का टॉपिक होता है कि अगर मैं पोल ऐड कर रहा हूं एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में तो रूट लोकस कहां शिफ्ट होगा, अगर मैं जीरो ऐड कर रहा हूं तो रूट लोकस कहां शिफ्ट होगा, मतलब इफेक्ट ऑफ पोल और इफेक्ट ऑफ जीरो ऑन रूट लोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप किसी रूट लोकस में बात करते हो कि पोल को ऐड करने से क्या इफेक्ट होगा, जीरो को ऐड करने से क्या इफेक्ट होगा, तो रूट लोकस कैसे मूव करता है, कैसे शिफ्ट करता है, क्या उसमें परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ता है, इज गुड कंसेप्ट। ये लास्ट का कंक्लूजन होता है रूट लोकस में जो चेंजेस होने वाले पोल या जीरो को ऐड करने से। तो ये ओवरऑल स्टोरी है एक रूट लोकस की, कैसे आपको देखना चाहिए। तो दो से तीन टॉपिक है बस, एंगल ऑफ डिपार्चर अराइवल पे एक दो क्वेश्चन देख लो, ग्राफिकल कैलकुलेशन देख लो, आपको बस ये एक या दो क्वेश्चन में आप पूरी चीज अप्लाई करके देख डालो, इस टाइप के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी एग्जाम में, इस टाइप के लोकस आप एक बार देख डालो, आपको क्लियर रहना चाहिए कि ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट क्या होता है, रूट लोकस में आपको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। किसी को बहुत अच्छा अगर देखना है तो उसको ये क्लियर रहना चाहिए कि एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जिसमें वैल्यू के एस प्लस वन एस प्लस टू और ये आपके पास S है, ये आपके पास ऐसा दिया है, इसमें जीरो ज्यादा है पोल्स कम है, और आपको लग रहा है चलो S प्लस 3 लिख लेता हूँ, गुड, इसमें जीरो ज्यादा है पोल कम है, इसका रूट लोकस डायग्राम अगर आप बना सकते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अगर जीरो ज्यादा है तो फिर क्या होगा, अगर जीरो ज्यादा है तो फिर जो वर्चुअल जीरो का जो कंसेप्ट होता है वो वर्चुअल पोल का कंसेप्ट आ जाएगा, जब जीरो ज्यादा होते हैं तो वर्चुअल पोल के कंसेप्ट में आप एंट्री मारते हैं। तो ऐसी चीजों का जब आप केयर करते हो तो फिर आप बहुत स्ट्रांग फील करते हो। तो ये ओवरऑल स्टोरी है रूट लोकस की। मेरे को लग रहा है ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसे ऐसी बात कर रहा हूँ तो पता चला कि लोगों को लग रहा है कि अच्छा इतना सारा पढ़ना पड़ता है और लोगों को डर लग रहा है, डराने के लिए नहीं बता रहा, बस मैं बता रहा हूँ कि इतना गजब का कंसेप्ट चाहिए अगर आप इंडिया में कॉम्पिटिशन में अगर आप चाहते हो कि आप खड़े रहे, पूरे इंडिया में अगर आप चाहते हो कि आपका कंपेरिजन हो तो आपको बहुत गजब के कंसेप्ट आना चाहिए, गजब का कैलकुलेशन आना चाहिए, आपका मोमेंटम गजब का होना चाहिए, आपकी स्पीड बहुत अच्छी होना चाहिए, तभी तो बहुत बेहतरीन होगा। तो ये पूरे की पूरे रूट लोकस की स्टोरी थी कि अगर रूट लोकस अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो रूट लोकस आपका ऐसा रिवाइज हो सकता है फास्ट वे में, ठीक है। इसके बाद में अगला आपके पास पोलार और नाइक्विस्ट प्लॉट, अगला जो टॉपिक रहेगा उसको मैं बता देता हूँ कि रिवीजन उसको कैसे करना चाहिए, बट अभी तो मैं आपको ये बता पाया कि ऐसे आपको सोचना चाहिए, अगर आप ऐसे सोचते हो तो फिर आपका बहुत ही अच्छे से रिवाइज होगा। तो मैं जो अगला टॉपिक लूँगा वो पोलार प्लॉट के बारे में लूँगा, ठीक है, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। अब मैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 6 पोलार प्लॉट। पोलर प्लॉट में ये जो पोलर प्लॉट होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग प्लॉट करते हैं। तो पोलर प्लॉट में बिल्कुल बेसिक आइडिया आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए कि कोई भी अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर गिवन है, कोई भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है जैसे कि 10/(s+1) है, इज द टाइप 0 ऑर्डर 1 सिस्टम, तो टाइप 0 ऑर्डर 1 सिस्टम क्या होता है, फिर अगर मैं टाइप 0 ऑर्डर बढ़ाते जा रहा हूँ तो आपको ऐसी बेसिक चीज़ें अच्छे फॉर्म में पता होना चाहिए कि 10/(s+1, s+2) ऐसा अगर आप बढ़ाते जा रहे हो तो यही से स्टार्ट होता है आपके पास कि अगर आप ऑर्डर बढ़ाते जा रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, तो ऐसा आपको क्लियर रहना चाहिए कि ओवरऑल होता क्या आपके पास कि अगर पहला अगर पार्ट है। हाँ, एक और चीज़ है कि एक्सप्लेन नहीं होता, ये रियल वैल्यू ऑफ जी एच ऑफ जी ओमेगा है
और ये इमेजनरी वैल्यू ऑफ जी एच ऑफ जी ओमेगा है। तो पोलर प्लॉट जो होता है वो जी एच प्लेन, ये जी एच प्लेन, ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। इसका जो रियल वैल्यू ये है, हमको पता है कि टाइप जीरो आपके पास है और ऑर्डर वन है, इक्वल टू जीरो पर टेन आ जाएगा। ये फिगर आपके पास दिस वन इधर फिगर, ये ओमेगा इक्वल टू जीरो से लेके ओमेगा इक्वल टू इन्फाइनाइट पे ये फिगर है। फिर अगर आप ऑर्डर बढ़ा देते हो तो फिर जो एंगल है वो टू पोल से, तो एंगल के कारण अब माइनस 180 तक जाएगा, तो ऐसे चला गया दिस वन, ये माइनस 180 डिग्री है, ये माइनस 90 डिग्री है। तो आपको कोऑर्डिनेट का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए जब आप बात करते हो एक पोलर प्लॉट की, तो आपको पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम का अच्छा खासा आइडिया रहना चाहिए। ये माइनस 90 है, ये जीरो डिग्री है, ये ओमेगा इक्वल टू इन्फाइनाइट पे एंड हुआ, ये ओमेगा इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ, ये तो ये रियल वैल्यू, ये इमेजनरी वैल्यू। ऐसा करके अगर मैं बोल रहा हूँ कि टाइप जीरो ऑर्डर वन है, टाइप जीरो ऑर्डर टू है, टाइप जीरो ऑर्डर थ्री है, ये आपको ऐसा बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि किसी भी फिगर को अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता रहे कि ठीक है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ये आपका मूवमेंट बढ़ते जाता है। दिस वन इधर टाइप जीरो ऑर्डर थ्री सिस्टम, तो ये सब कुछ आपके पास जो टाइप जीरो है, तो टाइप जीरो हमेशा जीरो डिग्री से स्टार्ट होता है। टाइप जीरो जो होता है वो जीरो डिग्री से स्टार्ट होता है, और जिस जगह पे एंड हो रहा है उसमें अगर मैं माइनस 90 से डिवाइड कर दूँ, जैसे माइनस 270 पे एंड हो रहा है, ये तो माइनस 270 पे एंड हो रहा है, माइनस 270 बाय माइनस 90 तो 3 आ जाएगा, टाइप आपके पास ऑर्डर 3 है। ये माइनस 180 पे एंड हो रहा है, माइनस 180 डिवाइड बाय माइनस 90 इज ऑर्डर 2। तो जो बेसिक सिस्टम होते हैं जिसमें सिर्फ पोल्स होते हैं, और वो भी पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, ये सब पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में पोल्स है, तो ये जितने भी सिस्टम होते हैं बहुत ही बेसिक स्टार्ट होता है यहाँ से एक पोलर प्लॉट के बारे में। इधर टाइप जीरो, ऑर्डर वन, ऑर्डर टू, ऑर्डर थ्री। फिर अगर आपके पास पता होना चाहिए कि टाइप वन सिस्टम में आपके पास क्या होता है, जैसे अगर मैं बोल दूँ कि जी एच एस इक्वल टू टेन अपॉन एस एस प्लस वन, तो टाइप वन है आपके पास और ऑर्डर टू सिस्टम है, तो माइनस 90 से स्टार्ट होगा और माइनस 180 पे एंड होगा, दिस इज द स्टाइल। ओमेगा इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ और ओमेगा इक्वल टू इन्फाइनाइट पे एंड हो गया, माइनस 90 से स्टार्ट माइनस 180 पे एंड हो गया, टाइप वन सिस्टम स्टार्टिंग पूरा माइनस 90। अगर मैं बोल रहा हूँ कि टाइप वन है ऑर्डर थ्री सिस्टम है, जैसे जी एच एस कोई भी नंबर मैग्नीट्यूड कोई भी हो सकता है, 100 अपॉन एस, एस प्लस वन, एस प्लस टू। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे फ्रिक्वेंटली कहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, हमेशा ये सबसे फेवरेट ये होना चाहिए आपका, टाइप वन ऑर्डर थ्री सिस्टम, माइनस 270 पे एंड हो गया, माइनस 90 से स्टार्ट हुआ था, ओमेगा इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ था, ओमेगा इक्वल टू इन्फाइनाइट पे एंड हो गया है, ये माइनस 90 माइनस 180 को क्रॉस करता हुआ माइनस 270 पे चला गया। ये रियल एक्सिस है आपके पास, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का इमेजिनरी एक्सिस इज द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये आपके पास टाइप वन ऑर्डर टू, टाइप वन ऑर्डर थ्री, ऐसे करके मूवमेंट होते रहेगा। तो ये बेसिक है आपके पास कि पोलर प्लॉट जब आप रिवाइज चालू कर रहे तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ मेरे पास पोल होना चाहिए और फिर मेरे पास बस टाइप की बात करना चाहिए कि टाइप जीरो है, ऑर्डर वन, ऑर्डर टू, ऑर्डर थ्री, टाइप वन है, ऑर्डर टू, ऑर्डर थ्री, ऑर्डर फोर, ये सब बनना चाहिए। जैसे आपके पास अगर बोल दिया जाए कभी आपके पास कि ये जैसे आपके पास ऐसा बोल दिया जाए कि एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है 4 अपॉन s³ s+1, ये तो एस क्यूब आपके पास इसका मतलब है कि ये टाइप थ्री सिस्टम है, टाइप थ्री सिस्टम दैट मीन्स माइनस 270 डिग्री और ऑर्डर फोर है दैट मीन्स माइनस 360 डिग्री, तो माइनस 270 से स्टार्ट होगा और माइनस 360 बैंड होगा। तो ये आपके पास रियल है, ये हमारे पास इमेजनरी है, ये माइनस 270 है, ये माइनस 360 है, जो जीरो होता है वही माइनस 360 होता है, तो ये स्टार्ट हुआ और दिस वन इस है, ये फिगर ओमेगा इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ जहाँ मैग्नीट्यूड इन्फाइनाइट है और ओमेगा इक्वल टू इन्फाइनाइट बैंड हो गया, दिस स्टाइल। फिर अगर आपके कोई बोल दे आपके पास कि आपके पास एक न्यू ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है 10 अपॉन s³ s+1 s+2, तो फिर माइनस 270 से स्टार्ट होकर और मूव करेगा, तो फिर ऐसा मूव करेगा दिस वन, ये तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें जो सबको इन जनरली पता होना चाहिए। जब आप रिवाइज करें तो आपको ऐसे रिविजन करना चाहिए, खुद से ऐसे क्रिएट करना चाहिए कि ठीक है मेरे को पोलर प्लॉट का बेसिक वाला पार्ट पता है जिसमें कि कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा और सिस्टम में कोई भी जीरो नहीं है और सिर्फ पोल है टाइप के अकॉर्डिंग, टाइप वन, ऑर्डर वन, ऑर्डर टू, ऑर्डर थ्री, टाइप जीरो, टाइप टू, ये बहुत बेसिक चीज़ें सबको बनना चाहिए कि पूरा का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ये फ्रिक्वेंसी प्लेन में बनता है, ये कभी भी एस प्लेन नहीं है, ये है जी एच प्लेन, जी एच का रियल पार्ट, जी एच का इमेजनरी पार्ट, ये है सबसे बेसिक। फिर आपको दूसरा चीज़ आना चाहिए कि अगर कोई बोले कि अगर मैं इस जगह पे दो चीज़ ले लो, अगर आपको कोई बोले कि चलो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर देता हूँ और ये एस माइनस वन कर देता हूँ, तो क्या इसका पोलर प्लॉट आपको आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करके? कोई बोल रहा है कि ठीक है मैं इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर देता हूँ, क्या इसका आपको पोलर प्लॉट आता है? अगर कोई बोल रहा है कि मैं ये 2 - s कर देता हूँ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दिया, एस माइनस टू नहीं 2 - s कर दिया, क्या इसका पोलर प्लॉट अब आपको आता है? तो सेकंड होता है आपके पास कोऑर्डिनेट चेंज करने वाला पार्ट। तो फिर अगर आप कोऑर्डिनेट चेंज करने वाली बात कर रहे हो तो फिर
आप अगर मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला अगर कभी वीडियो देखोगे यूट्यूब में वीडियो है कोऑर्डिनेट का, अलग अलग फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, मैं कोऑर्डिनेट के बारे में बहुत अच्छे से बात किया हूँ जिससे कि किसी स्टूडेंट को डाउट ना रहे, आप कोऑर्डिनेट को अच्छे से हैंडल कर सके। तो पोलर प्लॉट का दूसरा पार्ट आता है जिसमें कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और जब कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो फिर ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत अच्छे फॉर्म में पता हो। जैसे कि अगर मैं कोऑर्डिनेट चेंज करने की बात करूँ, जैसे ये है, ये मेरे को पता है कि ये टेन अपॉन, अगर मैं इसकी जगह जी ओमेगा पुट करूँगा तो टेन अपॉन जी ओमेगा माइनस वन आएगा, ना जी एच ऑफ जी ओमेगा। कैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मॉड कितना होगा तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा, मॉड वैल्यू इज टेन अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस वन। बट मैं अगर एंगल की बात करूँ तो जी ओमेगा माइनस वन, एक्स इज नेगेटिव, इमेजनरी पॉजिटिव है तो सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है आपके पास तो सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और अगर सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसका एंगल कितना होगा, जी एच ऑफ जी ओमेगा का एंगल कितना होगा, तो फिर ऊपर का टेन का एंगल जीरो माइनस, और ये सेकंड कोऑर्डिनेट है तो 180 माइनस ही क्यों लगा, डिवाइड करने के कारण माइनस टेन इनवर्स ओमेगा दिस वन, तो आंसर आ गया टेन इनवर्स ओमेगा माइनस 180, ये टेन इनवर्स ओमेगा माइनस 180 आ गया। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दिया, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने के बाद क्वेश्चन का जो लेवल रहता है पोलर प्लॉट का थोड़ा सा बेटर हो जाता है कि ठीक इतना आपके पास आ गया। अब आपको हमेशा पोलर प्लॉट जब भी ड्रॉ करते हैं दो चीज़ तो पता होना चाहिए, ओमेगा इक्वल टू जीरो और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट में मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है और एंगल कितना आ रहा है। पोलर प्लॉट का मतलब भी होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, मैग्नीट्यूड और एंगल, बस जीरो और इनफाइनाइट पे आपको दो नंबर देखना है कि जीरो पे मैग्नीट्यूड कितना है, तो ओमेगा इक्वल टू जीरो पे मैग्नीट्यूड टेन है, इनफाइनाइट में जीरो है, जीरो में एंगल कितना है, ओमेगा इक्वल टू जीरो पुट कर रहा हूँ तो माइनस 180 है, और अगर मैं ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट अगर पुट कर रहा हूँ तो वन टेन इनवर्स इनफाइनाइट 90 होता है, 90 माइनस 180 माइनस 90 आ गया, इतना आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने से। तो माइनस 190 से स्टार्ट होगा, माइनस 180 से स्टार्ट होगा और माइनस 90 पे एंड होगा, और अगर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ कि देखो आपके पास कितना है, ये दिस वन रियल, ये इमेजनरी, एंगल माइनस 90 यहाँ होता है, एंगल माइनस 180 यहाँ होता है, माइनस 270 यहाँ होता है, एस इक्वल टू जीरो पे माइनस 10 आ रहा है तो मैग्नीट्यूड होगा, और उसके बाद माइनस 90 आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड 10 आएगा और इनफाइनाइट में जीरो आएगा, दिस द स्टाइल, ये ओमेगा इक्वल टू जीरो में मैग्नीट्यूड 10 है, एंगल माइनस 180, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट में मैग्नीट्यूड जीरो है और एंगल माइनस 90। और अगर आपको बीच में कभी एंगल देखना भी है तो अब अगर मैं बोलूं कि चलो ओमेगा इक्वल टू 1 पे कितना होगा, तो ओमेगा इक्वल टू 1 पे एंगल कितना होगा, जी एच ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1 पे 10 वर्स 1, 10 वर्स 1 कितना होता है 45, 45 माइनस 180 तो आंसर विल बी माइनस 135। फिर आपको पता होना चाहिए कि माइनस 135 माइनस 90 और माइनस 90 के बीच में आता है तो ओमेगा इक्वल टू 1 यहाँ का ही आएगा। तो जीरो से इनफाइनाइट तक ओमेगा की कोई भी वैल्यू पुट करो, एंगल बिटवीन माइनस 90 से माइनस 180, ये होता है सेकंड स्टाइल जिसमें कि ना आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का गुड आइडिया होना चाहिए, फिर कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ कैसा भी खेल ले, ठीक है, ये दूसरा स्टाइल। थर्ड स्टाइल जो होता है कि आपके पास सिस्टम में ना जीरो हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपके पास जीरो हो तब फिगर कैसे होगा, तो फिर आपको आना चाहिए कि अगर मैं जीरो से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो पोलर प्लॉट कैसे होगा। तो तीन ही टाइप के बेसिक पोलर प्लॉट के बारे में बात की जा सकती है, कितना आपको आना चाहिए। जैसे आपके पास जी एच एस की वैल्यू है आपके पास, और मैं बोल रहा हूँ कि 10 है, एस प्लस 1 है, एस स्क्वायर है, एस प्लस 2 है, देखो जीरो से अगर मैं ऐड कर दिया तब क्या होगा, तो जीरो का आपके इफेक्ट आना चाहिए। तो अगर आप इसको ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो वो लगता है कि अगर आप जीरोस वाले कंसेप्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो मेरा कम्बेट का जो पहला है कंट्रोल का जो कम्बेट है, अगर आप फॉलो करते होंगे प्रॉपर, तो कंट्रोल कम्बेट में मैं बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कम्बेट 1 बहुत ही अच्छे से इस टाइप की बात किया हूँ जिसमें जीरो से ऐड होता है तब क्या होता है, बहुत ही डिटेलिंग किया हूँ, गुड डिटेलिंग किया हूँ, तो वो आपको मजा आएगा कि जब जीरोस होता है तो आपको अच्छे से केयर करना होता है, क्योंकि प्रेडिक्ट करना कभी कभी रॉन्ग भी हो सकता है जब जीरोस होते हैं। तो तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज होना, पहली पॉसिबिलिटी में कोऑर्डिनेट का चेंज भी नहीं होना, जीरो का भी नहीं होना, अभी कोऑर्डिनेट आपके पास जीरो साइड कर दिया, तो इस टाइप के पोलर प्लॉट आना चाहिए। तो ये पोलर प्लॉट का बेसिक आइडिया जो फटाफट रिवाइज हो जाता है, आप जब भी सेल्फ स्टडी करके रखे होंगे इतने दिन से, किसी कोचिंग में पढ़े होंगे, वो बहुत सारे ट्रांसफर फंक्शन आपको सॉल्व कराया होगा या प्रीवियस ईयर के गुड क्वेश्चन सॉल्व किए, तो एक गुड है। अब रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर जो होता है वो आपको आना चाहिए, रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर्स। अब रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर्स में ना फोर चीजें, ओमेगा पीसी, ओमेगा जीसी, जीएम और पीएम। अभी इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे कंट्रोल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, तो आपको ना कम से कम
फाइव क्वेश्चन तो इस पे हमेशा देखना ही चाहिए, 4 to 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको देखना चाहिए कि अगर मेरे को एक गुड क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर मेरे को गुड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फिर कैसे होगा ओमेगा पीसी, ओमेगा जीसी, जीएम और पीएम कैसे होगा आपके पास, जैसे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ये है आपके पास, सपोज करो के अपॉन एस है, एस प्लस वन है, एस प्लस टू है, ये क्या सब है क्वेश्चन भी ले लिया आपके लिए। अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ करना नहीं है, आप के इक्वल टू टेन के लिए, के इक्वल टू टेन के लिए आप निकालो ओमेगा पीसी निकालो, ओमेगा जीसी निकालो, जीएम निकालो और पीएम निकालो, चारों चीज निकाल लो पहला। सेकेंड ना, फिर के इक्वल टू 20 के लिए आप सब कुछ निकालो फिर से, और फिर आप देखो के को चेंज करने से कौन कौन से पैरामीटर चेंज होते हैं और कौन कौन से पैरामीटर चेंज नहीं होते, ये गुड कंसेप्ट होगा के को चेंज होने से क्या चेंज हुआ क्या चेंज नहीं हुआ। फिर आपके पास ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से केयर करते आना चाहिए कि ऐसी जगह पर फिर आप कैसे करोगे। यहाँ पर एक अच्छा गुड कंसेप्ट भी होता है आपके पास कि अगर मैं बोलूँ कि गेन मार्जिन, अगर मेरे को फाइंड आउट करना है इस टाइप के सिस्टम में कि गेन मार्जिन क्या होता है, तो गेन मार्जिन आपके पास, अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ आपके पास कि गेन मार्जिन की वैल्यू क्या होगी, तो के मार्जिनल और के डिजायर्ड पे भी आपके पास निकाल सकते हो कि के इक्वल टू 10 पे गेन मार्जिन की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो फिर के की जो वैल्यू होगी आपके पास वो के मार्जिनल की वैल्यू कितना होगा। तो अगर किसी को कंसेप्ट पता है कि गेन मार्जिन के मार्जिनल और के डिजायर्ड से निकाला जा सकता है, के डिजायर्ड जो गिवन है और के मार्जिनल आप आर एस टेबल से सॉल्व कर सकते हो, तो के मार्जिनल और के डिजायर्ड के रेशियो से आप हमेशा गेन मार्जिन फाइंड आउट कर सकते हो, इट्स गुड कंसेप्ट अगर किसी को पता हो तो गेन मार्जिन ऐसे भी फाइंड आउट किया जा सकता है। फिर मैं बोला कि देखो के की वैल्यू 10 और 20 है, के को इंक्रीज करने से क्या क्या चेंज हुआ, कौन कौन से पैरामीटर विल बी सेम, कौन कौन से पैरामीटर विल चेंज, तो फटाफट देखो दो चीज़ हो गई। फिर अगर आपको सॉल्व करना है तो आप एक ट्रांसपोर्टेशन डिले प्रोड्यूस कर लो और बोलो कि एक ट्रांसपोर्टेशन डिले है 1 सेकेंड का, अब बताओ ट्रांसपोर्टेशन डिले अगर मैं 1 सेकेंड का कर रहा हूँ तो थर्ड आपके पास ट्रांसपोर्टेशन डिले डाल दिया, और फिर आप देख लो कि के इक्वल टू कोई भी एक 10 के लिए, के इक्वल टू 10 के लिए ट्रांसपोर्टेशन डिले के कारण जीएम क्या होगा, पीएम क्या होगा, ओमेगा पीसी क्या होगा, ओमेगा जीसी क्या होगा, ये इतने में तो आपका काम हो जाएगा, एक गुड क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी आ जाएगी, सब कुछ कर लिया। ऐसे करके तो प्लान करना होता है कि आप लिए और फटाफट सॉल्व करना चालू किए। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ, जितना आप इन्वॉल्व होगे, जितना आप लिखोगे, जितना आप सॉल्व करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अच्छा रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं बोला कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर रहना चाहिए, दिस वन। अब रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर्स के बारे में जब हम बात कर ही रहे तो आपको ये निकालते आना चाहिए। इवन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं सिस्टम की बात कर रही ट्रांसपोर्टेशन डिले ना हो, और अगर ये कोई भी के की वैल्यू अगर आपके पास हो, ये 10 है और ये एस प्लस 1 और ये एस प्लस 2 है, पता है आपके पास जीएचएस जो है ये है ऑर्डर 2 सिस्टम, और एक ऑर्डर 2 सिस्टम ना, ऑर्डर 2 सिस्टम क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा पीसी ओमेगा की वो वैल्यू होती है जिसपे एंगल -180 होता है, और यहाँ पे अगर ध्यान देखा जाए तो ओमेगा इक्वल टू इन्फाइनाइट में ना इसका जो एंगल होगा -180 होगा, तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए ओमेगा पीसी इज ऑलवेज इन्फाइनाइट, और ओमेगा पीसी पे मैग्नीट्यूड कितना होता है, अगर मैं बोलूँ कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितना होगा ओमेगा पीसी दैट मीन्स इन्फाइनाइट पे तो 0 होगा, तो गेन मार्जिन कितना होगा, गेन मार्जिन रेसिप्रोकल होता है तो गेन मार्जिन भी इन्फाइनाइट, मतलब जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है उसका गेन मार्जिन भी इन्फाइनाइट होता है और ओमेगा पीसी भी इन्फाइनाइट होता है, ये गुड कंसेप्ट है सब कुछ। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से सिस्टम है जिसमें ओमेगा पीसी की वैल्यू इन्फाइनाइट होगी, ये बहुत ही गुड कंसेप्ट है। ऐसे कौन से सिस्टम है जिसमें गेन मार्जिन की वैल्यू इन्फाइनाइट होगी, ये भी बहुत गुड कंसेप्ट है। तो मैं बोला भी कि कंट्रोल कंपेट वन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। फिर आपको स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल से सिस्टम को जब नॉर्मल से सिस्टम को देखते हो तो गेन मार्जिन और फेस मार्जिन जब बोलते हो कि ग्रेटर देन जीरो, चाहे ग्रेटर देन 0 dB या ग्रेटर देन 0 degree, या फिर आप बोलते हो कि गेन मार्जिन इक्वल टू 0 dB और फेस मार्जिन इक्वल टू 0 degree, या फिर बोलते हो कि गेन मार्जिन लेस देन 0 dB और फेस मार्जिन लेस देन 0 degree, जब आप ऐसी बात करते हो तो फिर पता रहना चाहिए कि ये स्टेबल सिस्टम है और किस टाइप के सिस्टम होते हैं, ये मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है और ये अनस्टेबल सिस्टम। ये सब के सब जो सिस्टम होते हैं ना, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो जीएचएस आप लेते हो, ये सब मिनिमम फेस सिस्टम होते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज नहीं होता है, किसी में भी 0 नहीं होते, बहुत ही मिनिमम फेस सिस्टम को हम नॉर्मली लेते हैं। तो अगर मैं बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज की अगर ऐसी बात कर रहा हूँ, तो एक मिनिमम फेस सिस्टम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम फेस सिस्टम की नॉर्मली स्टेबल मिनिमम फेस सिस्टम जब मैं लेता हूँ तो ये वैलिड होते हैं, इसलिए हर जगह आपको वैलिड दिख जाते हैं जो कंडीशन लिखा हूं। तो पोलर प्लॉट में रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर इज वेरी गुड, 4 to 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए, 4 to 5 क्वेश्चन ये।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि गेन मार्जिन इक्वल टू 30 dB, बताओ के की वैल्यू क्या होगी। इसी में मैं गेन मार्जिन 30 dB दे देता हूँ उसके पहले वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे आपने तीन पार्ट सॉल्व किए थे। इसी तीन पार्ट में फोर्थ पार्ट में बोल दूँ कि गेन मार्जिन इक्वल टू 30 dB है, बताओ के की वैल्यू क्या हो, गुड क्वेश्चन। फिर मैं बोल दूँ कि चलो फेस मार्जिन इक्वल टू 40 डिग्री है, बताओ के की वैल्यू क्या होगी, अगेन गुड क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी पॉसिबिलिटी क्रिएट की जा सकती है एक ही क्वेश्चन में। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं इसके पहले वाला क्वेश्चन लिया, इसी में 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा, मैक्सिमम काम हो जाएगा आपका। तो इस टाइप की क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी जहाँ पे अननोन को निकालना वाला पार्ट पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन डिले का इफेक्ट क्या पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन डिले किसको चेंज करता है। अगर मैं बोलूँ कि इफेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिले क्या होता है, ओमेगा पीसी चेंज होगा कि ओमेगा जीसी चेंज होगा कि जीएम चेंज होगा कि पीएम चेंज होगा, तो आपको पता है गेन क्रॉस और फ्रिक्वेंसी को छोड़ के बाकी सब कुछ चेंज होता है। जबकि इवन लोग गलत सोचते हैं, बाकी चीज़ें लोग और भी सोचते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन डिले तो एंगल को इफेक्ट करता है, और एंगल को इफेक्ट करता है तो फिर तो गेन मार्जिन को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन जो डिले है वो गेन क्रॉस और फ्रिक्वेंसी को सिर्फ इफेक्ट नहीं करेगा, गेन क्रॉस और फ्रिक्वेंसी विल बी सेम विदाउट ट्रांसपोर्टेशन डिले और विद ट्रांसपोर्टेशन डिले, बट रिमेनिंग ऑल पैरामीटर विल बी डिफरेंट, चाहे वो ओमेगा पीसी हो, चाहे फिर वो गेन मार्जिन हो, चाहे वो फेस मार्जिन हो, रिमेनिंग 3 पैरामीटर विल चेंज। तो ट्रांसपोर्टेशन डिले का जो इफेक्ट वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी पे बेस्ड आप बात कर सकते हो, इस टाइप की ऐसी ऐसी बात कर सकते हो आप, जिससे कि आपको गुड आइडिया हो, आपको समझ आए कि चीजें अच्छे फॉर्म में होती है। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि पोलर प्लॉट में आपको इतनी सारी चीजें आना चाहिए, तो पोलर प्लॉट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में हम बात कर ही रहे हैं। एग्जाम वाले इस चैप्टर को हमेशा थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देते हैं, एग्जाम में इसको इंपॉर्टेंस मिलता है। तो आपको मैं बोला कि पोलर प्लॉट आपको आना चाहिए जिसमें सिर्फ पोल्स और लेफ्ट में हो, एक आना चाहिए जिसमें सिर्फ पोल्स और कोऑर्डिनेट चेंज हो, एक आना चाहिए जिसमें जीरोस भी आ जाए पोल्स भी आ जाए, पोलर प्लॉट। फिर रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर्स में ओमेगा पीसी, ओमेगा जीसी, जीएम पीएम, फिर आपको पता होना चाहिए किन सिस्टम में ओमेगा पीसी इन्फाइनाइट होता है, किन सिस्टम में गेन मार्जिन इन्फाइनाइट होता है। फिर आपको निकालते आना चाहिए, आपको अननोन निकालते आना चाहिए कि कोई गेन मार्जिन दे दे, कोई फेस मार्जिन दे दे, बोले के निकालो, तो फिर आपको के फाइंड आउट करते आना चाहिए। आपको ट्रांसपोर्टेशन डिले का इफेक्ट पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन डिले का इफेक्ट क्या होगा। आपको इवन ये पता होना चाहिए कि जब जीरोस इन्वॉल्व होते हैं, जो गुड क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस। ये ऐसे वाले क्वेश्चन जो रहते हैं, तो यहां से आपके पास जब वो स्टार्ट हो रहा है उसके बाद ये कट कर रहा है, तो यहां पे भी ओमेगा पीसी है, ओमेगा पीसी की वैल्यू सपोज करो 0-180 है, ये ओमेगा पीसी है क्योंकि एंगल -120 है। ये जो फाइनाइट ओमेगा पीसी होता है, इस फाइनाइट ओमेगा पीसी में जो भी डिस्टेंस होता है एक्स, और इसका रेसिप्रोकल गेन मार्जिन 1/x। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो रियल एक्सिस को कट करके निकलते हैं, दिस वन। ये तभी होता है जब जीरो इन्वॉल्व है, विदाउट अगर जीरो नहीं है तो ऐसे कभी कट नहीं करेगा। जब जीरोस को इन्वॉल्व करते हैं तो एक गुड कंसेप्ट आता है, इसमें रैशनलाइज करना पड़ता है, रैशनलाइज का गुड वाला पार्ट है। वो बोला भी मैं कि कम्बेट अगर सॉल्यूशन वन अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये वाला गुड पार्ट में कवर किया कम्बेट में। तो कंट्रोल सिस्टम में आप कम्बेट वाले पार्ट को भी अच्छे से देखते जाना, आपका एडवांटेज होगा। जितने भी वीडियोस में कंट्रोल सिस्टम में दिए हो, और अगर मेरा ये आप रिविजन वीडियो सुन रहे हो, तो बहुत सारा काम आपका हो जाएगा। तो ये ओवरऑल पोलर प्लॉट के बारे में बात हुई कि किसी को फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स से रिलेटेड इतना पता होना चाहिए कि जब भी वो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को स्टार्ट कर रहा है तो उसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए, ऐसे उसको देखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ना मैं नाइक्विस्ट प्लॉट के बारे में बात कर देता हूँ। तो फिर नाइक्विस्ट प्लॉट में आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए और बस हो गया, उससे ज़्यादा आपको वर्कआउट नहीं करना, वो भी बता देता हूँ कि इन चीज़ों का बस आप केयर कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर को ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर में बात कर रहा हूँ कि नाइक्विस्ट प्लॉट या नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि क्वेश्चन इसमें जब भी फ्रेम होता है तो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया इसको बहुत कम समय में आप कर सकते हो, क्योंकि आपको किसी को पढ़ाना नहीं है। अगर आपको किसी को पढ़ाना है तो उसके लिए भी वीडियो दिया हूँ कि आपको क्या पता होना चाहिए। आप अगर YouTube में देखोगे तो नाइक्विस्ट जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का कंसेप्ट है, कहाँ से वो आया है, क्या सोचते हैं, वो मैं YouTube में प्रोवाइड किया हूँ। तो आपको किसी को पढ़ाना है तब तो वो इंपॉर्टेंट है, जब आपको एग्जाम देना है तब तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एन इक्वल टू पी माइनस जेड हम परफॉर्म कर रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। इस पे भी आप जब YouTube में मेरे वीडियो देखते हो तो आपको एन इक्वल टू पी माइनस जेड एंटी क्लॉक वाइज के बारे में पूरा अच्छा डिटेलिंग पता होता है। तो एन इक्वल टू पी माइनस जेड के बारे में पता होना चाहिए कि जो एन होता है वो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट होता है, -1+j0। पी जो होता है नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ OLTF होता है, जो जेड होता है नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ CLTF होता है। तो सब ये पोल्स है, सब पोल्स है राइट हैंड साइड के, ये भी पोल्स है राइट हैंड साइड के, ये CLTF का पोल्स है राइट हैंड साइड का जिसको जेड लिखे, और ये आपके पास जो है वो OLTF का राइट हैंड साइड का पोल्स है, और ये नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट है -1+j0।
और इस समय में आपके क्लियर रहना चाहिए कि जो आपके पास नाइकिस कंटूर होता है, नाइकिस कंटूर, तो जो नाइकिस कंटूर होता है उसमें आपके पास फोर सेक्शंस होते हैं, इस वन कि पोला प्लॉट कौन सा होगा, उसका मिरर इमेज कौन सा होगा, ये सब आपके पास होते हैं। ये इसका मिरर इमेज है, पोला प्लॉट है, जीरो फ्रिक्वेंसी लाइन है, ये इन्फाइनाइट फ्रिक्वेंसी लाइन है, इन्फाइनाइट फ्रिक्वेंसी लाइन, तो ये नाइकिस कंटूर है। नाइकिस कंटूर भी क्लोज पाथ होता है, जैसे नाइकिस प्लॉट क्लोज पाथ होता है तो नाइकिस जो कंटूर होता है जी। तो आपको आइडिया होना चाहिए नाइकिस कंटूर क्या चीज़ होती है, बस उसकी ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए। तो एन इक्वल टू पी माइनस जेड के बारे में आइडिया होना चाहिए कि एन इक्वल टू पी माइनस जेड, आपको ये पता होना चाहिए अगर आप 3 to 4 क्वेश्चन अगर कर लिए नाइकिस प्लॉट के, सिर्फ 3 to 4 क्वेश्चन, कि नाइकिस प्लॉट में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, तो कुछ भी नहीं, आप 2016 से लेकर 2018 के बीच में जितने भी 3 to 4 क्वेश्चन आए बस उसको आप सॉल्व कर लो नाइकिस सुटेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, आपका काम हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि एन इक्वल टू पी माना जेड है। हाँ, लेकिन याद रखें आपके पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप जब जेड निकालते हो तो जो जेड होता है नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ सी एल टी एफ होता है, राइट हैंड पोल्स लिखा भी मैं कि राइट हैंड पोल्स ऑफ सी एल टी एफ होता है, राइट हैंड पोल्स ऑफ सी एल टी एफ होता है। और आप आर एस टेबल से भी यही चीज़ फाइंड आउट करते हो, आर एस टेबल से भी यही चीज़ फाइंड आउट करते हो, तो आर एस टेबल से अगर आप ये चीज़ सेम फाइंड आउट करते हो तो ऐसा कई बार हो सकता है कि एक नाइकिस प्लॉट का क्वेश्चन में नाइकिस प्लॉट की जरूरत ना पड़े और आप आर एस टेबल की हेल्प से ये पूरा का पूरा सॉल्व कर ले, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो जो जेड होगा नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ सी एल टी एफ होगा, ये तो आप आर एस टेबल से भी निकाल सकते हैं। पी के लिए तो क्वेश्चन में ओ एल टी एफ दिया होगा, उसमें कितने पोल्स राइट में वो पता चल जाएगा, तो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट आप बिल्कुल निकाल सकते हो बिना नाइकिस प्लॉट के हेल्प के। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं जिसमें नाइकिस प्लॉट के बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसमें बिना नाइकिस प्लॉट के सॉल्व नहीं होगा। तो जो नाइकिस प्लॉट होता है वो हमेशा आपके पास जो कंप्लीट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, जो पोला प्लॉट जो आप पढ़े हो उसी का कंप्लीट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, दैट मीन्स जैसे पोला प्लॉट आप जब से जानते हो कि ये पोला प्लॉट वाला है फिगर है दिस वन, ये तो ये हो गया आपके पास, ये ओमेगा इक्वल टू 0 से ओमेगा इक्वल टू इन्फानेट था, ये पोला प्लॉट था, ये पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी लाइन के लिए होता है 0 प्लस लेके इन्फानेट, इसका मिरर इमेज अगर आप कर दोगे तो ओमेगा इक्वल टू आपके पास इन्फानेट माइनस से ओमेगा इक्वल टू 0 माइनस हुआ, फिर ये टाइप वन सिस्टम है तो वन पोलेट ओरिजिन है, वन पोलेट ओरिजिन है तो नंबर ऑफ इन्फानेट मैग्नीट्यूड जो हाफ सर्कल होता है 0 फ्रिक्वेंसी लाइन के कारण, उसके कारण एक इन्फानेट मैग्नीट्यूड का हाफ सर्कल बनेगा। ये मिला दिए सब पॉइंट्स को अपन दिस वन, ये सब पॉइंट्स को मिला दिए हम लोग, ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बन गया नाइकिस प्लॉट। फिर क्वेश्चन बहुत सारे इसमें ऐसे भी फ्रेम हो जाते हैं कि के का क्या रेंज होगा, तो इस के का क्या रेंज होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहां पे अगर मैं क्वेश्चन किसी को ऐसा फ्रेम कर दूं कि जी एच एस की वैल्यू के अपॉन एस और एस प्लस वन और एस प्लस, ऐसा चेंज कर देता हूँ, एस प्लस 10 और एस प्लस 20, और मैं बोलूँ कि फाइंड द रेंज ऑफ के का रेंज फाइंड आउट करना है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सी एल टी एफ बाय यूजिंग द नाइकिस प्लॉट, तो फिर तो गुड क्वेश्चन बन जाएगा ये कि के का रेंज फाइंड आउट करना, और ये रेंज आर एस टेबल से भी निकाला जा सकता है, तो आर एस टेबल से जो आंसर आएगा वो नाइकिस प्लॉट से भी आंसर आएगा, तो इस टाइप की चीज़ें फ्रेम की जा सकती है। हाँ, बट अगर आपको कोई ना अगर ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन नहीं दिया तो फिर आप आर एस टेबल अप्लाई नहीं कर सकते, तो कोई ऐसा क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है जिसमें कि आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन नहीं दिया, यहीं पे कोई पॉइंट दे दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन पे बेस बात कर दिया, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि एन पी और जेड क्या होता है। तो पूरा का पूरा चैप्टर अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एन इक्वल टू पी माइनस जेड पे बेस्ड है, और ये एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट आपके पास जब आप ले रहे हो ये तब ले रहे हो जब आपका नाइकिस कंट्रोल क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो आज तक नाइकिस कंट्रोल जो है वो बाय डिफॉल्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहा है। आज तक जब भी एग्जाम में एक या दो 2016 में एक क्वेश्चन था उसमें नाइकिस कंट्रोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा था, इसके सिवा पिछले 25 से 30 साल से लोग नाइकिस कंट्रोल हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम कर रहे हैं, और इसी डायरेक्शन को एज्यूम करके आईआईटी के प्रोफेसर भी क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, इसलिए फॉर्मूला एन इक्वल टू पी माइनस जेड एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। अगर किसी दिन नाइकिस कंट्रोल चेंज हो जाए, जो आज तक नहीं हुआ है, किसी दिन अगर नाइकिस कंट्रोल क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो पता है जो फॉर्मूला है पी माना जेड एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, बट ठीक है, इतनी जरूरत आज तक किसी को पड़ी नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि बस एन इक्वल टू पी माना जेड में फोकस करें, फिर आप कुछ ऐसे कंडीशनल वाले क्वेश्चन की जरूरत हो तो ऐसा देख ले आप कि के की वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग नाइकिस प्लॉट, ये जो इनसर्कलमेंट होता है कि क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन प्लस जे जीरो बाहर होगा कि माइनस वन प्लस जे जीरो अंदर होगा, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कंडीशनल क्वेश्चन, कंडीशनल स्टेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं बोला 3 to 4 क्वेश्चन आप देख लो, इतने में आपका काम हो जाएगा, तो नाइकिस प्लॉट हो गया।
और बहुत ज़्यादा की नीड नहीं, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो तो फटाफट आपको देखना होता है, क्योंकि अगर आपको चीज़ें आती है तो एग्ज़ाम में बनने ही वाला है, और चीज़ें नहीं आती है तो एग्ज़ाम में उतने अच्छे से नहीं बनने वाला है। तो आपको रिविजन बहुत फास्ट करना होता है, तो पुल अप प्लॉट, नाइकिस प्लॉट, ये फटाफट आप रिवाइज कर लिए। तो मैं बोलूँगा कि नाइकिस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम देर का है, सिर्फ 30 मिनट काफ़ी है रिविजन के लिए। 30 मिनट्स में रिवाइज हो जाएगा ये पूरा का पूरा। सिर्फ आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ों को मेरे को देखना है, बस किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में आ सकते हो और आए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए में से। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि चैप्टर नंबर 7 हुआ, चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 8 जो होता है वो होता है आपके पास बोडे प्लॉट। बोडे प्लॉट से क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। नॉर्मली बोडे प्लॉट आपको आना चाहिए कि बोडे प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं, बोडे प्लॉट किसी भी ट्रांसफर फंक्शन में अगर मेरे को दिया आपके पास तो मेरे को एक ट्रांसफर फंक्शन से बोडे प्लॉट बनाते आना चाहिए, और बोडे प्लॉट अगर दिया है तो मेरे को रिकवर करते आना चाहिए। और इसमें जो कैलकुलेशन ऑफ के होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप बोडे प्लॉट में कैलकुलेशन ऑफ के की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि के की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आपको आना चाहिए कि एक बोडे प्लॉट का फिगर बना हुआ है, कोई भी रैंडम ले, 2-3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो, 3-4 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लो और बस उसमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करो, हो गया। और ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने में जो के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिसको आप डीसी गेन भी बोलते हो, सिस्टम का डीसी गेन भी होता है, सिस्टम का डीसी गेन ऑफ सिस्टम, जो भी सिस्टम लिखा है, अगर आप बोडे प्लॉट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए बना रहे हो तो फिर जो के होगा डीसी गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा। बोडे प्लॉट अगर आप क्लोज सिस्टम के लिए बना रहे हो, कोई भी सिस्टम, रैंडम सिस्टम, तो उसका जो के होता है वो डीसी गेन ऑफ दैट रैंडम सिस्टम होता है। तो आपको ना जब भी बोडे प्लॉट को कोई फिगर दिया हुआ तो आपको ट्रांसफर फंक्शन आना चाहिए, आपको रिकवर करते आना चाहिए ट्रांसफर फंक्शन, आपको के की वैल्यू के बारे में आइडिया होना चाहिए। ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट ये है कि बोडे प्लॉट अगर आपके पास गिवन है, और बोडे प्लॉट अगर आपके पास ऐसा गिवन है, पूरा का पूरा ऐसा गिवन है, ये बोडे प्लॉट ऐसा गिवन है, सपोज करो दिस वन, ये 20 dB, ये जी एच ऑफ जी ओमेगा, ऐसा आपके पास दिया और बोला आपके पास कि ये सिस्टम है, जी एस एच क्यू एल वन है, और आपको एरर की बात कर रहे हैं कि इनपुट अगर यूनिस्टेप सिग्नल हो तो बताओ स्टडी स्टेट एरर क्या होगा। तो जो बोडे प्लॉट पे बेस्ड, जो बोडे प्लॉट से आप स्टडी स्टेट एरर फाइंड आउट करते हो, यहाँ से जाकर आपको फाइंड आउट करना है, एरर फाइंड आउट करना है, ई ऑफ टी स्टडी स्टेट एरर अगर मेरे को फाइंड आउट करना है किसी बोडे प्लॉट से, तो मेरे को पता होना चाहिए कि स्टडी स्टेट एरर एक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए जब आप बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक टाइप जीरो सिस्टम के लिए, एक टाइप जीरो सिस्टम के लिए आप फाइंड आउट करते हो टाइप जीरो, जहाँ पे केवी की बात करते हो टाइप वन में, टाइप वन सिस्टम में केवी की बात करते हो, टाइप टू सिस्टम में के की बात करते हो, तो ये केपी होता है, यहाँ पे केवी होता है, यहाँ पे के होता है, ये के ही के होता है, केवी ही के होता है, केपी ही के होता है। ये बोडे प्लॉट में ये वाला कंसेप्ट आपको आना चाहिए, जहाँ पे आप एरर की बात करते हो, स्टडी स्टेट एरर की बात करते फ्रॉम द बोडे प्लॉट, टाइप जीरो सिस्टम का बोडे प्लॉट, टाइप वन का बोडे प्लॉट, टाइप टू का बोडे प्लॉट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू का बोडे प्लॉट अगर पता होगा तो टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू का आप स्टडी स्टेट एरर निकाल सकते हैं फॉर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो इस टाइप की पॉसिबिलिटी आपको क्लियर रहना चाहिए। तो बोडे प्लॉट में बोला कि कोई भी बोडे प्लॉट है, 3 से 4 क्वेश्चन आप ले लो, उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करो, डीसी गेन का मीनिंग समझो आप कि जो के होता है वो डीसी गेन होता है, और उसके बाद आप स्टडी स्टेट एरर से रिलेटेड बात कर लो। यहाँ पे एक और चीज़ होती है आपके पास कि अगर मैं बोलूँ कि कभी आपको अगर एरर से रिलेटेड बात करना है, एरर, तो जो एरर होता है वो एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट होता है, एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट होता है। एग्जैक्ट मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की वैल्यू, एग्जैक्ट मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो आप निकालते हो पोलर प्लॉट से, ये पोलर प्लॉट से जो वैल्यू निकालते हो, और अप्रॉक्सीमेट मतलब बोडे प्लॉट, अप्रॉक्सीमेट मतलब बोडे प्लॉट, क्योंकि बोडे प्लॉट एक अप्रॉक्सीमेट प्लॉट होता है, एक एसिम्प्टोटिक प्लॉट होता है, जहाँ पे आप एज्यूम कर लेते हो, जहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी के बारे में आप बात करते हो, जहाँ पे आप लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी में सेपरेट करते हो, तो एजम्पशन पे बेस होता है बोडे प्लॉट। तो बोडे प्लॉट जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट प्लॉट होता है, एग्जैक्ट प्लॉट एक फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स पोलर प्लॉट होता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर बोलते हैं। तो एरर में चाहूँ तो मैग्नीट्यूड में पूछ सकता हूँ, दैट मीन्स डी बी, एरर में चाहूँ तो एरर मैं फेस प्लॉट में पूछ सकता हूँ, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि एरर पे बेस्ड अगर कोई कभी बात करता है तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट जो होता है वो एरर हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये वो आपके पास बोडे प्लॉट से रिलेटेड। फिर बोडे प्लॉट का जो सेकंड पार्ट है, जो कि आप धीरे 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 हर टॉपिक कंसेप्चुअल होते जा रहा है, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को सिंपल सिंपल कंसेप्ट पता होता है तो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं।
तो बोडे प्लॉट फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम का बोडे प्लॉट क्या होता है, तो बोडे प्लॉट जो होना चाहिए वो एक अंडर डैम्प सिस्टम का पता होना चाहिए कि जो बोडे प्लॉट अगर आप कर रहे हो तो एक अंडर डैम्प सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि जीटा 0 से 1 जो होता है एक अंडर डैम्प सिस्टम का बोडे प्लॉट कैसे होता है। एक अंडर डैम्प सिस्टम के बोडे प्लॉट को हम कैसे देखते हैं, फिगर में अगर जीटा गिवन है आपके पास तो जीटा इक्वल टू 0.5 के समय में बोडे प्लॉट का बिहेवियर कैसे होगा ये आपको पता होना चाहिए। इवन आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपके पास जो एरर होता है एट द कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, जो एरर होता है कॉर्नर फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पे जो एरर की वैल्यू होती है वो कितना होता है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम एरर एट द कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। तो आपको सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, अंडर डैम सिस्टम का बोडे प्लॉट कैसे होता है। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आजकल की सेकंड ऑर्डर सिस्टम का बोडे प्लॉट पता होना चाहिए, उसमें आपको एरर की वैल्यू पता होना चाहिए एट द कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, और एक नॉर्मल बोडे प्लॉट तो आपको पता होना चाहिए, फिर एरर वाइज भी बात होना चाहिए। और थोड़ा सा आप हमें आइडिया रहे कि आपके पास अगर कोई भी ट्रांसफर फंक्शन अगर दिया है, कोई भी अगर ट्रांसफर फंक्शन अगर आपके पास दिया है तो उस केस में आप उसका बोडे प्लॉट अगर बना रहे हो तो आपको स्लोप का आइडिया होना चाहिए। तो पूरा का पूरा चैप्टर ना स्लोप पे बेस्ड है, तो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो स्लोप का कंसेप्ट है। तो स्लोप का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा आइडिया रहना चाहिए। तो मैं तो मेरा मानना तो ये है कि पूरे कंट्रोल सिस्टम का वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक बोडे प्लॉट है। अगर किसी को स्लोप के बारे में आइडिया है, कोई स्लोप को लाइक करता है, कोई स्ट्रेट लाइन को लाइक करता है, तो बोडे प्लॉट सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है पूरे कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके क्लियर भी रहना चाहिए कि जब आप बोडे प्लॉट बनाते हो तो यहाँ पे अगर ओमेगा रेडियन पर सेकंड लिखा है आपके पास, ये लॉग स्केल होता है, ये ओमेगा रेडियन पर सेकंड लिखा है, क्लियर रहना चाहिए। अगर कभी ये लॉग ओमेगा लिखा है, अगर ये कभी लॉग ओमेगा लिखा है तो फिर आपको लॉग ओमेगा को ये नंबर ओमेगा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, लोगों को कम आइडिया होता है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लोगों के अकॉर्डिंग लॉग ओमेगा और ओमेगा में कोई फर्क नहीं होता, जबकि फर्क होता है। तो आपको क्लियर रहना चाहिए ओमेगा और लॉग ओमेगा में बहुत फर्क है। अब एक्चुअली जो होता है वो ओमेगा होता है, ये स्केल जो है वो लॉग स्केल है। अगर लॉग ओमेगा लिखा है तो आपको शिफ्ट एंटी लॉग करके पूरे ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो मैं बता रहा था आपके पास कि बोडे प्लॉट से रिलेटेड आपको इतना आना चाहिए। अब अगर मैं बोलूं कि एक जनरलाइज क्वेश्चन अगर अपन कर ले कि उस जनरलाइज क्वेश्चन में अपन सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, जनरलाइज क्वेश्चन के बारे में सब कुछ हम बात कर सकते हैं। तो अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन मैं लिखूं, ध्यान देते रहना पूरी, एक अगर मेरी बात को पूरा सुन रहे हो तो मैं बोला भी हूँ कि अगर आप ऐसे देख रहे हो, सपोज करो k अपॉन s है, s प्लस 2 और s प्लस 4 है, ये इसमें अगर मेरे पास है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो मैं इसमें, मेरे को पता है कि के अपन एस एस प्लस टू एस प्लस फोर एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो मैं इसके रूट लोकस की बात कर सकता हूँ, मेरे को पता है इसका रूट लोकस क्या होगा। मैं इसके ब्रेक अवे पॉइंट की बात कर सकता हूँ, इस ब्रेक अवे पॉइंट में मैं के की वैल्यू की बात कर सकता हूँ, ब्रेक अवे पॉइंट में के की वैल्यू क्या होगी ये। तो मैं इससे रिलेटेड रूट लोकस से रिलेटेड बात कर सकता हूँ। अगर मेरे को बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर है तो मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ कि रूट लोकस की जगह अगर कंप्लीमेंट्री रूट लोकस होगा तब क्या होगा। तो मैं कंप्लीमेंट्री रूट लोकस की बात भी कर सकता हूँ इस जगह पे, अगर मेरे को बहुत आइडिया है रूट लोकस और कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस का। तो ठीक है, तो रूट लोकस और कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस की बात कर सकता हूँ, ब्रेक अवे पॉइंट की वैल्यू बात कर सकता हूँ, एक रूट लोकस बनाऊंगा, मेरे को पता है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना होगा, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितना होगा, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट कितना होगा, ये सब मेरे को पता है, सेंट्रोइड वगैरह सब मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं रूट लोकस से रिलेटेड अगर बात कर रहा हूँ इस जगह पे, उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं रूट लोकस से आगे अगर मैं शिफ्ट होता हूँ, रूट लोकस अगर मैं निकाल लिया और अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इसका एरर फाइंड आउट करना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इफ के इक्वल टू 10, आप इनपुट ले लो, आप एक बार स्टेप सिग्नल ले लो, एक बार इनपुट रैम सिग्नल ले लो, एक बार इनपुट पैराबोलिक ले लो, आप चाहो तो नंबर इसके सामने मैग्नीट्यूड चेंज भी कर सकते हो, टी स्क्वायर बाय 2 यूटी ले लो, और फिर स्टडी स्टेट एरर निकाल लो सबके लिए। ये देखो स्टडी स्टेट एरर सबके लिए निकल गया इफ के इक्वल टू 10। उसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ कि के इक्वल टू 10 के लिए आपको अगर पोलर प्लॉट की बात करना है तो आप पोलर प्लॉट की बात कर लो, आप ओमेगा पीसी की बात कर लो, ओमेगा जीसी की बात कर लो, जीएम की बात कर लो, पीएम की बात कर लो, सब निकाल डालो आप, ये के इक्वल टू 10 के लिए, इसी जगह के लिए, इसी के लिए आप रूट लोकस निकाले, इसी के लिए पोला प्लॉट बोडे प्लॉट निकाले, सब कुछ आप फाइंड आउट करना चालू कर दिए। हाँ याद रखना, ऐसी जगह पे ओमेगा जीसी जो होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है कई बार। तो ऐसी चीज़ें आसान नहीं है कि एग्जाम में कोई आईआईटी का प्रोफेसर आपके लिए फ्रेम करे जो कि आप प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर वर्चुअल कैलकुलेटर से निकाल सको। इसलिए एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन ओमेगा पीसी के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब
ओमेगा पीसी के ज्यादातर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और ओमेगा पीसी पे बेस्ड गेन मार्जिन के क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम होते हैं। मतलब कवरेज में मान सकता हूं कि 90% कवरेज जो होगा वो ओमेगा पीसी और जीएम का होगा। ओमेगा जीसी के बारे में बात करूं तो गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी और जो फेस मार्जिन होता है इसका कवरेज 10% है। कंसेप्ट वाइज तो सब बराबर है, बट इसका कवरेज क्यों 10% है? क्योंकि जब आप जीएच ऑफ जी ओमेगा जीसी के बारे में बात करते हो तो जीएच ऑफ जी ओमेगा जीसी का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और जब मॉड वैल्यू करते हो तो कई बार ऑर्डर जो होता है वो थर्ड ऑर्डर तक पहुंच जाता है। वो थर्ड ऑर्डर को अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो और एक वर्चुअल कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो ये बहुत ही टफ होगा, और अगर ये टफ होगा तो फिर एक आईआईटी का प्रोफेसर इस टाइप की टफ वाली चीजों की बात नहीं करता है। तो एक और चीज ध्यान रखना, जब जब ओमेगा जीसी और फेस मार्जिन एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है तो हमेशा वो इजी क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्योंकि उनको ट्रांसफर फंक्शन इजी फ्रेम करना है। तो ट्रांसफर फंक्शन इजी फ्रेम करते, इसका मतलब है कि मैं तो बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन फेस मार्जिन और ओमेगा जीसी पे बेस्ड क्वेश्चन अगर है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू गेन मार्जिन और ओमेगा पीसी। क्यों? क्योंकि वो ना टफ क्वेश्चन फ्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो फिर आप थर्ड ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? और ये तो आपके पास जब मैं मॉड करता हूं तो 6th ऑर्डर बन जाता है, फिर आप ओमेगा स्क्वायर को एक्स मान लेते हो तो 3rd ऑर्डर बन जाता है, लेकिन 3rd ऑर्डर भी कैसे हैंडल होगा? तो 3rd ऑर्डर कैसे हैंडल होगा? तो इस कारण कई बार ओमेगा जीसी और पीएम पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं इजी फ्रेम होते हैं। हाँ, टेस्ट सीरीज में कभी कभी आपको टफ क्वेश्चन मिल सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आप वर्चुअल कैलकुलेटर होने के बाद भी लोग थर्ड ऑर्डर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, फेस मार्जिन की बात कर लेते हैं और फिर वर्चुअल कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं होता और लोग परेशान होते, तो वो टेस्ट सीरीज की स्टोरी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई थर्ड ऑर्डर सिस्टम को सॉल्व कर ले ऐसे ही। हाँ, कभी ऐसी जरूरत पड़ गई, ऐसी 1% चांसेस है कि ऐसी जरूरत पड़ गई तो फिर आपको ट्रायल और एरर वाला चीज भी आना चाहिए, फिर आप मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए कभी जरूरत पड़ गई तो, बाकी चांसेस बहुत कम है। क्योंकि आईआईटी का प्रोफेसर को पूरा आइडिया है कि उसको कौन से क्वेश्चन बनाना है, कौन से क्वेश्चन डिजाइन करना है, क्या पॉसिबिलिटी है उसे सॉल्व करने की। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया और उसका सॉल्यूशन उनके पास ना हो, वो लोग सॉल्व करते हैं, वो लोग सॉल्व करके अपने पास रखते हैं क्योंकि सॉल्यूशन को बनाना होता है तो सॉल्व वो करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऐसे रैंडमली फ्रेम कर दे। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ओमेगा जीसी अगर निकालना है तो वर्चुअल कैलकुलेटर से निकालना टफ हो सकता है, प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर से आप इजीली निकाल सकते हो। तो अभी तो आप प्रैक्टिस करने के लिए फटाफट देखने के लिए आप प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर इस जगह पर यूज कर सकते हो, लेकिन आपको फिर क्लियर रहना चाहिए कि इस टाइप की सिचुएशन फिर आपको एग्जाम में नहीं होगी, क्योंकि लोग ओमेगा जीसी और फेस मार्जिन के बारे में इस टाइप की जगह पर बात नहीं करेंगे, फिर आपको इजी क्वेश्चन देंगे। तो ये हुआ पोलर प्लॉट के बारे में, ये पोलर प्लॉट के बारे में हुआ। अगर मैं बोलूं कि के का रेंज फाइंड आउट करो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम बाय यूजिंग नाइक्विस्ट प्लॉट तो गुड हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैं बोल रहा हूं कि यहां पे के का रेंज फाइंड आउट करो फॉर द स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी कि K1 से लेके K2 तक K का रेंज क्या होगा, K1 और K2 की वैल्यू क्या होगी फॉर स्टेबिलिटी, और आप उसको निकालो RS टेबल से, आप उसको निकालो नाइकिस प्लॉट से, कितना गुड होगा। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ अप्लाई कर दिया, आरएस टेबल अप्लाई कर दिए, नाइकिस प्लॉट अप्लाई कर दिए, नाइकिस प्लॉट बना डालो आप इसका और फाइंड आउट कर लो आपके पास कि के का रेंज क्या होगा फॉर द स्टेबिलिटी। तो नाइकिस प्लॉट हो गया, पोलर प्लॉट हो गया, रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर्स हम फाइंड आउट कर लिए, एक ही क्वेश्चन में हम एरर फाइंड आउट कर लिए, एक ही क्वेश्चन में रूट लोकस की बात कर लिए, इसी क्वेश्चन में हम कंप्लीमेंट्री रूट लोकस की बात कर लिए, और इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूं आपको कि अगर मेरे को इसका बोडे प्लॉट बनाना है तो मेरे को पता है टाइप 1 सिस्टम है और इसी जगह पे बोडे प्लॉट भी बनाया जा सकता है। बस मेरे को के की वैल्यू एक सिलेक्ट कर लेना, सपोज करो के इज 10 तो ड्रॉ द बोडे प्लॉट, मैं बोडे प्लॉट ड्रॉ कर लूंगा और बोडे प्लॉट अगर ड्रॉ कर लूंगा तो फिर मैं सॉल्व कर लूंगा तो मैं बोडे प्लॉट भी फाइंड आउट कर लूंगा। फिर मेरे को ये भी देखना चाहिए कि मैं अगर बोडे प्लॉट अगर ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे मेरे को पता है कि अगर मेरे को बोडे प्लॉट ड्रॉ करना है 2 बार आएगा 4 बार आएगा, के की वैल्यू 10 ले ली अपन, उसके बाद अगर मैं बोडे प्लॉट अगर ड्रॉ कर रहा हूं तो बोडे प्लॉट ड्रॉ करने के बाद जो 0 dB वाला लाइन रहता है, 0 dB लाइन जिस जगह पे भी कट करेगा तो आपको पता है कि वो ओमेगा जीसी होगा। तो अगर बोडे प्लॉट से आप ओमेगा जीसी फाइंड आउट कर रहे हो और आप अगर यहाँ से अगर ओमेगा जीसी फाइंड आउट कर रहे हो, बोडे प्लॉट से ओमेगा जीसी है और ओमेगा जीसी और अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो पोलर प्लॉट से, तो दोनों के बीच का कितना डेविएशन है वो भी चेक कर सकते हो आप, क्योंकि बोडे प्लॉट तो एसिम्प्टोटिक प्लॉट है, अप्रॉक्सीमेट प्लॉट है। तो एक दो बार तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया कि ये वैल्यू निकालो आप लेकिन अप्रॉक्सीमेट प्लॉट से निकालो, तो जब भी वो अप्रॉक्सीमेट की बात करते हैं इसका मतलब है वो चाहते हैं कि आप बोडे प्लॉट बनाओ और बोडे प्लॉट बनाने के बाद फिर आप फाइंड आउट कर लो। जैसे मेरे को पता है कि K/S+2S+4 है और के की वैल्यू अगर मैं 10 ले लिया तो 10/2 और 4 है तो 10/8 हो गया, 10/8 की वैल्यू जो हो गया 5/4 हो गया, 1.25 आ गया। इफ K इज 10 तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कितना आ गया, 10/2 और 4 8 तो 1.25 1.25/S 1+S/2 कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 1+S/4। तो अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो मेरे को पता है कि 1/S का जो फिगर होता है वो ऐसा फिगर होता है आपके पास 20 dB से -20 dB तक जाता है, ये ओमेगा इक्वल टू 1 है आपके पास 20 dB से -20 dB तक जाता है, ये 20 dB है। 1/S की फिगर की बात कर रहे हैं तो 1/S और फिर ये 1.25 है तो 1.25 से शिफ्ट हो जाएगा, 20 log 1.25 करूंगा तो 20 dB से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो बोडे प्लॉट का फिगर ऐसा बन जाएगा, कोई ना कोई एक नंबर आएगा
20 प्लस 20 लॉग 1.25 एक नंबर आएगा, ऐसा आपके पास शिफ्ट करना है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देखना पड़ेगा कि जहाँ तक 2 आ रहा है वहाँ तक शिफ्ट हो रहा है कि नहीं। पता चला कि नीचे शिफ्ट हो रहा है, पता चला कि यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो 2 हो गया है सपोज करो ओमेगा इक्वल टू 2 पे। उसके बाद ओमेगा इक्वल टू 2 पे फिर माइनस 20 dB, तो फिर से एक और आ गया। और ऐसा करके आपको देखना रहेगा कि जिस जगह पे कट करेगा 0 dB लाइन है, दिस इज द 0 dB लाइन, तो 0 dB लाइन को जिस जगह पे कट करेगा तो ओमेगा जीसी वही होता है। ओमेगा जीसी ओमेगा की वो वैल्यू होता है जिससे मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 का मतलब 0 dB होता है। तो आपको बोडे प्लॉट में, जब आपका बोडे प्लॉट एसिम्प्टोटिक प्लॉट मैग्नीट्यूड प्लॉट जिस पॉइंट पे कट करता है वो ओमेगा जीसी होता है, गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी। और आपको हो सकता है कि ओमेगा जीसी निकल गया, ओमेगा जीसी के बाद आपको कोई बोल सकता है फेस मार्जिन निकालो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई आपसे बोले कि इन बोडे प्लॉट आप फेस मार्जिन फाइंड आउट करो। तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि आप बोडे प्लॉट के बाद ओमेगा जीसी निकालो, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं चाहते, वो अप्रॉक्सीमेट चाहते। तो आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्या क्या निकाला जा सकता है। तो ऐसी जगह पे मैं बोडे प्लॉट से भी आपको फेस मार्जिन निकालने को दे सकता हूँ, तो ऐसा बोडे प्लॉट बन सकता है। तो एक ही क्वेश्चन में सब कर लिया अपन, रूट लोकस कम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। उसके बाद हम बात कर लिए यहाँ पे कि के का रेंज फाइंड आउट करो फॉर द स्टेबिलिटी बाइजिंग आर स्टेबल बाइजिंग नाइक्विस्ट प्लॉट। के इक्वल टू 10 के लिए आप स्टडी स्टेट एरर फाइंड आउट कर लो, के इक्वल टू 10 के लिए पोलर प्लॉट बना लो, के इक्वल टू 10 के लिए ओमेगा पीसी ओमेगा जीसी जीएम और पीएम सब फाइंड आउट कर लो। आप इतनी सारी चीजें एक जगह पे फाइंड आउट कर लो, पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम का आप एक क्वेश्चन लेने के बाद पूरी की पूरी चीजों को अप्लाई कर सकते एक साथ, तो कितना गुड हो गया सोचो, एकदम गुड हो गया। एक ही जगह पर इतनी सारी चीजें अप्लाई होगी आपकी, तो आपको इतने अच्छे फॉर्म में पता होना चाहिए। अगर आप बेस्ट फॉर्म चाहते हो तो ऐसा बेस्ट फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो मैं ट्राई किया आपके पास कि आपको बोडे प्लॉट का आइडिया हो, आपको पोलर प्लॉट का आइडिया हो, आपको नाइक्विस्ट प्लॉट का आइडिया हो, आपको स्टडी स्टेट एरर का आइडिया हो। यही क्वेश्चन तो आने वाला एग्जाम में, और कौन सा क्वेश्चन आएगा? अगर आपको इतनी सारी चीज़ों का आइडिया है तो फिर आप कोई भी पेपर ओपन कर लो कंट्रोल सिस्टम का, चाहे आप पिछले 25-30 साल के क्वेश्चन पेपर को देख लो, या फिर आने वाला जो पेपर है आपका 2019, 2020, 2021, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आते रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। आप ना आप डिपेंडेंट मत रहो कि मेरे को ये सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो मेरे को बुक में जो जो लिखा है, भाई आप एक बार पढ़ चुके हो, आप रिवाइज कर रहे हो, तो आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना है। अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए अपने से नए क्वेश्चन फ्रेम करो, अपने से नए क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद अपने से ही चीज़ों को क्रिएट करो, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। जैसे मैं यहाँ पे बोला आपको कि आप पूरी चीज़ परफॉर्म कर सकते हो एक ही क्वेश्चन के अंदर में, तो ये दिखा आपके पास। तो पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, बोडे प्लॉट, रूट लोकस, सब के सब जितनी प्लॉटिंग थी सब के बारे में मैं बात कर लिया। ये आपके पास चैप्टर नंबर जो था 8 था, बोडे प्लॉट चैप्टर नंबर 8 था। इसके बाद जो होता है एक सिंपल सा एक टॉपिक होता है हमारे कंट्रोल सिस्टम में, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में एक और जो चैप्टर होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, लेकिन 2018 में भी क्वेश्चन आ गया उस पर, तो क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में आपके पास ऐसा आपके पास फिगर था दिस वन, ये इसकी वैल्यू 1 है। अगर ये डी सी गेन की वैल्यू 1 है, जिस द के अगर 1 है तो यहाँ पे है, ये ओमेगा आर होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है, इसकी वैल्यू ओमेगा एन अंडर रूट 1 - 2 GTS² होता है, ओके। फिर एम आर होता है, रेजोनेंट पीक होता है, इसकी वैल्यू कई बार 1/ लिखते हैं जबकि के अपॉन लिखना चाहिए, के अपॉन 2 जीटा अंडर रूट 1 - GTS². ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स नहीं है, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर मैं इस जगह से बोलूँ तो 3 dB जो डाउन होता है आपके पास, ये 3 dB डाउन इस जगह पे कहीं आपके पास अगर ओमेगा बी आ रहा होगा तो 3 dB डाउन हो गया, ये 3 dB डाउन, ये ओमेगा की वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आपको पता होना चाहिए रिजोनेंट पीक, आपको पता होना चाहिए जीटा की वैल्यू 0 से लेके 0.707 तक होता है। इसका मतलब है कि जीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में 0.707 होता है। और एक और रिजल्ट की बात की जाए तो आपको फिर 3 dB बैंडविड्थ के बारे में पता होना चाहिए कि 3 dB बैंडविड्थ कितना होता है। तो ओमेगा एन अंडर रूट 1 - 2 GTS² प्लस अंडर रूट 4 GTR4 -4 GTS² प्लस 2 सही होना चाहिए, मतलब फटाफट लिखा हो। तो अंडर रूट 1 - 2 GTS² प्लस अंडर रूट 4 GTR4 -4 GTS² प्लस 2 रेडियन पर सेकंड, ये 3 dB बैंडविड्थ का रिजल्ट है। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुए, लेकिन हमेशा इन दो पे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस रहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंट पीक पे। और मैं बात किया कि देखो 3 dB बैंडविड्थ है, तो तीन ही फॉर्मूले इस जगह पे, तीन ही फॉर्मूले से आपका लगभग काम हो जाता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि तीन ही जगह पे आपके पास, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर जो सिस्टम है सिर्फ 10 मिनट का है, लेकिन आपको सॉल्व करते आना चाहिए। क्योंकि कोई अगर आपको बोल दिया कि कल रिजोनेंट पीक कितना है, कोई बोल दिया कि डीसी ईएमआर की वैल्यू है, कोई आपको डीसी गेन की वैल्यू अगर बोल दिया कि डीसी गेन की वैल्यू 2 है, अब आपको जीटा फाइंड आउट करना है तो ये कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो इसी को तो आपको ट्राई करना, जब आप कॉपिंग कर रहे हैं ये तो सबको पता है यार, अगर कोई एक बार देख लेते हो तो 5 मिनट में खत्म हो गया। आपको सॉल्व करके देखना है कि हाँ मैं जीटा निकाल पाऊंगा, जीटा निकाल पाऊंगा, जीटा निकाल पाऊंगा। तो आपको ना इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो भी हो जाएगा, 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो इस टॉपिक के बस।
और ये तो बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कभी कोई पूछता नहीं, अभी तक तो कोई पूछा नहीं है, बहुत साल पहले पूछते थे, फॉर्मूला ही पूछा गया बहुत साल पहले, आजकल तो इतना बिग फॉर्मूला है तो हो सकता नहीं पूछते, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में 1 साल 2 साल 3 साल में कभी ना कभी इस पे बेस क्वेश्चन पूछेंगे, बोलेंगे 3D भी बैंडविड्थ बताओ, और फिर आपको ओमेगा एन भी पता चल जाएगा, जीटा भी पता चल जाएगा, या ओमेगा एन और जीटा फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ प्रोवाइड कर देंगे, फिर उनकी हेल्प से आप जीटा निकालना ओमेगा एन निकालना, और जिसको ये फॉर्मूला पता होगा वो 3D भी बैंडविड्थ का फॉर्मूला निकाल लेगा कि बैंडविड्थ ये होगा एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम अंडर डैम सिस्टम में। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, बस याद रखना ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन नहीं है, ये है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे चैप्टर की, और इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। तो ये होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ये चैप्टर नंबर 9, ये चैप्टर नंबर 9। अब मैं बात कर देता हूँ आपके पास कि स्टेट स्पेस एनालिसिस में क्या करना रहता है, स्टेट स्पेस एनालिसिस में आप किन चीज़ों को देख सकते हो। तो मैं चैप्टर नंबर 10 के बारे में आपसे बात कर देता हूँ कि अगला जो चैप्टर नंबर 10 होगा उसमें हम क्या क्या चीज़ की बात कर सकते हैं। तो 9 चैप्टर के बारे में तो मैं बता दिया कि इतनी चीज़ों को आपको वर्कआउट करके एग्जाम में एंट्री मारना है, ठीक है। फिर मैं चैप्टर नंबर 10 की बात कर देता हूँ, और फिर कंट्रोलर और कंपनसेटर के बारे में भी थोड़ी सी बात कर देता हूँ, ठीक है। इतना पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम है। तो नेक्स्ट मैं चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात करता हूँ। तो चैप्टर नंबर जो 10 में आपके पास जो होता है वो होता है स्टेट स्पेस एनालिसिस, स्टेट स्पेस एनालिसिस। जब आप स्टेट स्पेस एनालिसिस स्टार्ट करते हो तो रफ कॉपी में आपको ऐसे स्टार्ट करना चाहिए, x.=ax+b y=cx+du। फिर आपको देखना चाहिए कि सबका आपको ऑर्डर पता है कि नहीं, सबका ऑर्डर आपको बताना चाहिए, ए सिस्टम मैट्रिक्स होता है, बी इनपुट मैट्रिक्स होता है, सी आउटपुट मैट्रिक्स होता है। आपको बताना चाहिए x जो होता है स्टेट वेक्टर होता है, डिफरेंशियल स्टेट वेक्टर है, u इनपुट वेक्टर है, y आउटपुट वेक्टर है, और ये डेटा ट्रांसमिशन मैट्रिक्स है। तो आपको इसी पे वर्कआउट करना चाहिए, मतलब यही वर्कआउट जो मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट स्पेस एनालिसिस का कंट्रोल सिस्टम में जो वीडियो है यूट्यूब में वो बहुत ही गुड वीडियो है। तो ये इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए इसका कि पूरा का पूरा बेसिक वर्कआउट इसी पे आपको रहना चाहिए कि आप इसके बारे में पूरा जानते हो, इसके बारे में आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कि एक्स डॉट क्या होता है, ए एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, सबको ऑर्डर पता होना चाहिए, आपको स्टेट वेरिएबल का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको ये पता है तो उसके बाद सेकंड में को लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सिस्टम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन, जैसे कोई ट्रांसफर फंक्शन अगर आपके पास लिखा हुआ है, तो ट्रांसफर फंक्शन अगर लिखा हुआ आपके पास कि 10/s² + s+1, तो क्या इसका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई ट्रांसफर फंक्शन अगर ऐसा लिखा हुआ है कि जिसमें आपके पास न्यूमरेटर में भी एस का टर्म है, जैसे अगर आपके पास ऐसा लिख दिया गया है कि 10s+2 है, और अगर ये आपके पास s³ + 10s² + 4s+6 है, तो क्या इसका रिप्रेजेंटेशन पता है। तो न्यूमरेटर में अगर जीरो से मतलब एस का टर्म है तब आपका स्टेट स्पेस का रिप्रेजेंटेशन, जब न्यूमरेटर में सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म है इसका रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत बेसिक आना चाहिए आपको। इवन स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ भी आना चाहिए कि जब आप स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन लिखते हो तो आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में सिग्नल फ्लो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो पहला पार्ट होगा कि आप किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को देख के अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ और फिर स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन की बात कर लूँ, और उसके बाद अगर एस का टर्म्स अगर है तो फिर आउटपुट को इसके बराबर एज्यूम कर लूँ, इनपुट को इसके बराबर एज्यूम कर लूँ, और स्टेट स्पेस में जो स्टेट वेरिएबल को जो एज्यूम करते हैं इज वेरी गुड, और उसके बाद सिग्नल फ्लो ग्राफ भी ले लूँ। सिग्नल फ्लो ग्राफ लेने के बाद फिर मैं ना मेसांस गेन फॉर्मूला अप्लाई करके SFG में फिर से चेक करूँ कि ये आ रहा है कि, इसका मतलब है कि सब ना रिलेटेड है, तो फिर मैं मेसांस गेन फॉर्मूला यूज करूँगा, और उस मेसांस गेन फॉर्मूले से मैं क्रॉस चेक करूंगा कि जो SFG में ड्रॉ किया हूं वो SFG जो ड्रॉ किया हूं वो भी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन से, वो SFG का जब मैं मेसांस गेन फॉर्मूले सॉल्व करूंगा तो सेम ट्रांसफर फंक्शन आना चाहिए। तो ये वो आपके पास इस टाइप से फॉर्मेशन। सेकेंड चीज़ है कि आपको फिर ट्रांसफर फंक्शन पता होना चाहिए कि ट्रांसफर फंक्शन y/s इज द आउटपुट, यहाँ पे जो दिख रहा है आपके पास y आउटपुट है और u इनपुट है, तो y/s = c(si-a)(b+d), ये ट्रांसफर फंक्शन का रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं और कुछ भी टफ नहीं होते, सिर्फ आपको आना चाहिए कि सी आना चाहिए, SI-A का इन्वर्स करते आना चाहिए, तो आपको ये वाला पार्ट आना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि SI-A का जो इन्वर्स होता है रिजॉल्वमेंट मैट्रिक्स होता है, SI-A का जो इन्वर्स होता है वो रिजॉल्वमेंट मैट्रिक्स होता है, एडजॉइंट SI-A/determinant। फिर जब आप डिटर्मिनेंट की बात करते हो ये, तो जो डिटर्मिनेंट होता है इसको अगर मैं 0 पुट कर दूं तो इसके जो रूट्स होंगे वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और पोल्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और पोल्स होते हो एक स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन के, तो उसका डिटर्मिनेंट को 0 पुट कर दोगे तो आपको पोल्स मिल जाएगा, आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगा, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के केस में डैम्पिंग रेशियो मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद एडजॉइंट आपको पता होना चाहिए, एडजॉइंट अपन डिटरमिनेंट करने से इनवर्स पता होगा, इसको रिजॉल्विंग मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर इस रिजॉल्विंग मैट्रिक्स का इनवर्स लाप्लास ले तो आपको मिल जाता है एसटीएम, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेट स्पेस एनालिसिस का और सिंपल टॉपिक। फिर आपको रिजॉल्विंग मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि टी इक्वल टू जीरो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और अगर मैं इसको डेरिवेटिव करके जीरो पुट कर दूं तो सिस्टम मैट्रिक्स होता है। ये टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। नॉर्मली सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में कम आइडिया रहता है लोगों को सिर्फ ये पता रहता है कि एसटीएम की वैल्यू टी इक्वल टू जीरो पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जबकि एसटीएम का जो डेरिवेटिव होता है वो टी इक्वल टू जीरो पे सिस्टम मैट्रिक्स एक बराबर होता है। तो ये गुड कंसेप्ट होता है। तो ये पूरा रिलेटेड है कि अगर आप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात करें तो ऐसा माना सही कि इनवर्स को रिजॉल्विंग मैट्रिक्स बोलते हैं, इसके इनवर्स को एसटीएम बोलते हैं, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, फिर आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालते आना चाहिए, आपको डिटरमिनेंट को जीरो जब पुट करते हैं तो इससे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और पोल्स निकलता है। तो ये वाला पार्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सिग्नल फ्लो ग्राफ को तो आप बार बार यूज करते रहो इस चैप्टर में, सिग्नल फ्लो ग्राफ को आप बार बार यूज करते रहो क्योंकि ये गुड यूज है। एक अच्छा क्वेश्चन जब फ्रेम होता है तो यहाँ पे सिग्नल फ्लो ग्राफ को लोग अच्छे से यूज करते हैं। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, पूरे कंट्रोल सिस्टम में कभी कभी वो सबसे टफ क्वेश्चन ना इस टॉपिक से फ्रेम कर लेते हैं, गुड एसएफजी देंगे और आप हो सकता है आपको क्लिक ना करें, अगर आपकी कमांड नहीं है तो ऐसा कर सकते हो लोग। तो याद रखना कि आप ना ट्रैप नहीं होना कि अगर वो लोग बहुत ही गुड क्वेश्चन फ्रेम कर दिए और पता चला कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे हैंडल करना है, तो उसको अवॉइड करना, लास्ट में अटेम्प्ट मारना। जिन लोगों को तो सिग्नल फ्लोग्राफ बहुत अच्छा आइडिया रहता है उनको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को बहुत गजब का सिग्नल फ्लोग्राफ स्टेट स्पेस के अंदर क्लियर नहीं होता है, स्टेट स्पेस के रिप्रेजेंटेशन के स्टाइल में क्लियर नहीं होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो थोड़ा सा क्लियर करना बोला। तो ठीक है, ये एक पार्ट हो गया और ये बहुत बेसिक पार्ट है, इतना बनना चाहिए इसमें से। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट तो आप सॉल्व कर लोगे, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, दिस वन। अब सेकंड होता है कि मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन दो टाइप का होता है। एक होता है आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन वेयर इनपुट इक्वल टू जीरो, ये इनपुट जीरो हो गया, एक्स डॉट इक्वल टू एक्स, ये होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन की जब बात होती है तो एक्स डॉट इक्वल टू एक्स होता है। इसका जो सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग वो होता है एक्स टी इक्वल टू एक्स टी एन क्रॉस वन इक्वल टू फाइव टी एस टी एम एन क्रॉस एन, और इनिशियल वैल्यू एक्स जीरो एन क्रॉस वन, ये एस टी एम को इनिशियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से स्टेट इक्वेशन आ जाता है, स्टेट इक्वेशन। और अगर मेरे को आउटपुट चाहिए वाई ऑफ टी तो फिर मैं सी को मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स ऑफ टी से, ये आउटपुट भी आ जाएगा, ये आउटपुट भी आ गया। तो ये आपके पास होता है होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन स्टेट इक्वेशन के बारे में। तो ये गुड कंसेप्ट है आपके पास, और इसी को हम बोलते हैं कि देखो इनपुट नहीं है तो इसी को हम बोल देते हैं कि जेड आई आर, इसी को बोल देते हैं जीरो इनपुट रिस्पांस है, एक ऐसा रिस्पांस। वैसे तो रिस्पांस इसको बोलना चाहिए बट फिर भी स्टेट इक्वेशन को भी रिस्पांस बोल देते, चल जाता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है वो तो बता ही देते हो लोग। तो स्टेट इक्वेशन जो हम फाइंड आउट करें जीरो इनपुट रिस्पांस बिकॉज इनपुट इज जीरो, बट अगर इनपुट जीरो नहीं है आपके पास तो फिर उस केस में अगर इनपुट अगर आपके पास है तो एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, ये तो फिर आपके पास जो सॉल्यूशन होगा ना स्टेट इक्वेशन का एक्स ऑफ टी, जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो फिर एक्स ऑफ टी जीरो इनपुट रिस्पांस का एक पार्ट होगा और एक पार्ट एक्स ऑफ टी जीरो स्टेट रिस्पांस का होगा, इधर जेड एस आर। जेड आई आर के लिए यही वाला स्टाइल है जिसमें कि मैं बोलता हूँ कि एस टी एम को इनिशियल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ये सबसे बेसिक स्टाइल है जेड आई आर निकालने का। लेकिन एक्स टी जब भी मेरे को निकालना होता है, एक्स टी जब भी निकालना होता है तो मैं इसके ट्रांसफॉर्म डोमेन को यूज करता हूँ। क्यों ट्रांसफॉर्म डोमेन को यूज करता हूँ? क्योंकि मेरे को लगता है आपके पास कि ट्रांसफॉर्म डोमेन को अगर मैं यूज कर रहा हूँ इस वाले फॉर्म में, तो अगर एस आई माइनस ए का इनवर्स है आपके पास तो ये एस आई माइनस फाइव ऑफ एस इंटू बी यू एस होता है दिस वन। तो अब हमेशा फाइव ऑफ एस जो होता है एन क्रॉस वन एन क्रॉस एन रिजॉल्विंग मैट्रिक्स एन क्रॉस एन, और बी का जो ऑर्डर होता है आपके पास, अगर मैं बोलूँ यहाँ से कि जो बी इनपुट मैट्रिक्स है आपके पास जैसे एक्स डॉट इक्वल टू एक्स प्लस बी यू लिखा था आपके पास, तो एन क्रॉस एम होता है और ये एम क्रॉस वन होता है, तो बी का ऑर्डर जो होता है वो एन क्रॉस एम होता है और यू ऑफ एस का ऑर्डर जो होता है वो एम क्रॉस वन होता है, तो आप एम एम कैंसिल आउट कर सकते हो और ये एन क्रॉस वन बनता है बी यू ऑफ एस। तो एक्स ऑफ एस की वैल्यू जो जेड एस आर होता है जेड एस आर, उसमें आपके पास जो फाइव ऑफ एस होता है रिजॉल्विंग मैट्रिक्स, मैं ऐसे ही करता हूँ हमेशा, ये बहुत ही आसान होता है, बी यू ऑफ एस को आप हमेशा सॉल्व करें। स्टेप सिग्नल होगा तो यू ऑफ एस की वैल्यू वन बाई एस हो जाएगा, नॉर्मली स्टेप सिग्नल दिया रहता है, तो इसका ऑर्डर एन क्रॉस वन हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये एक्स ऑफ एस आ जाता है, और जब एक्स ऑफ एस आ जाता है जेड एस आर वाला, तो फिर मेरा काम हो जाता है मैं इनवर्स लाप्लास करता हूँ और ये एक्स ऑफ टी जेड एस आर निकल जाता है, और ये बहुत ही आसान तरीका होता है, मेरे को कन्वोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज अगर मैं यही पे बात करूंगा तो ये ट्रांसफॉर्म डोमेन है और ट्रांसफॉर्म डोमेन का मल्टीप्लिकेशन टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन होता है, तो मेरे को कन्वोल्यूशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा करता ही नहीं हूँ। मैं ट्रांसफॉर्म डोमेन निकालता हूँ एक्स ऑफ एस के फॉर्म में और उसका इनवर्स लाप्लास निकाल के जेड एस आर निकाल देता हूँ। तो ये गुड पार्ट है, एकदम इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस वन। ये
तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा आते हैं कि लगभग 95% 96% कवरेज हो गया कि आपको सॉल्यूशन वाला पार्ट से क्वेश्चन आएगा, या तो फिर आपको ट्रांसफर फंक्शन से क्वेश्चन आएगा, या आपको फिर बेसिक से क्वेश्चन आएगा, इतने से क्वेश्चन होने के चांसेस रहते हैं। बट एक आधी जगह कभी कभी कुछ टफ क्वेश्चन की कैटेगरी भी बन जाती है कि आप अगर आपको डिकम्पोजिशन के बारे में आइडिया ना हो, ऐसे बहुत कम लोगों को आइडिया होता है कि उसको पैरेलल डिकम्पोजिशन ना पता हो, उसको डायरेक्ट डिकम्पोजिशन नहीं पता हो, तो कभी कभी कुछ अच्छे क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं वो वैसे भी फ्रेम हो जाते हैं, तो उस वाले पार्ट को मैं इतना फोकस में नहीं रखता हूँ, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहते उस जगह से आने के, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं रहते। इसमें जो लास्ट टॉपिक रहता है, इसमें इस जगह पे जो आप पढ़ सकते हो, वो होता है कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी वाला जो पार्ट होता है और ऑब्जर्वेबिलिटी वाला जो पार्ट होता है, ऑब्जर्वेबिलिटी वाला पार्ट, तो कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी में जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो आप कंट्रोलेबिलिटी वाला पार्ट भी आप कर सकते हो कि जो कंट्रोलेबिलिटी वाला जो पार्ट होता है, कि जो कंट्रोलेबिलिटी जो मैट्रिक्स होता है, क्यूसी मैट्रिक्स, जो क्यूसी मैट्रिक्स होता है, इसका जो डिटरमिनेंट होता है, जैसे ये बी है, ये ए भी है, ये ए स्क्वायर भी है, ये किसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो है या नहीं है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो तो कंट्रोलेबल है, डिटर्मिनेंट जीरो है तो अनकंट्रोलेबल है। तो ये आपके पास जो कंट्रोलेबिलिटी की जो कंडीशन होती है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कंट्रोलेबल सिस्टम है या नहीं है। और सिमिलरली ऑब्जेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, तो ऑब्जेबिलिटी के लिए भी हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेबिलिटी का जो डिटर्मिनेंट होता है, क्यू नॉट का डिटर्मिनेंट, ये होता है आपके पास सी ट्रांसपोज, ये होता है ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, ये होता है ए ट्रांसपोज, इसका स्क्वायर भी कर सकता हूँ मैं, या ए टू टी लिख सकता हूँ, और सी ट्रांसपोज ऐसा करके ऑर्डर बढ़ाते जा सकते हो। तो ये आपके पास हो गया डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं है तो ये ऑब्जर्वेबल है, डिटर्मिनेंट जीरो है तो अनऑब्जर्वेबल है। हाँ, अगर आपको सिग्निफिकेंस जानना है तो सिग्निफिकेंस इज वेरी डिफरेंट, तो आपके पास कम टाइम है तो आप अभी नए चीज़ नहीं कर सकते। जो मैं बस बताते जा रहा हूँ कि जो चीज़ आप पढ़ चुके हो, तो जो जो चीज़ आपको फटाफट रिवाइज करना है, फटाफट देखते जाना है, बस वो ये चीज़ है। तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टेट स्पेस में 3 to 4 टॉपिक है जिस पर आपको केयर करना चाहिए, और स्टेट स्पेस से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, क्या बोला मैं, 2 क्वेश्चन भी आ जाते। तो आपको एक तो पता होना चाहिए ट्रांसफर फंक्शन का स्टाइल वाला पार्ट, आपको पता होना चाहिए स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का स्टाइल, आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन का स्टाइल, आपको पता होना चाहिए कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी वाला जो पार्ट होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए, तो फिर आप बेटर 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 फील करोगे, बेटर उस वाले पार्ट में रहोगे तो अच्छा रहेगा आपके पास। जिस टाइप से आपको लगता है कि इस टाइप की चीज़ें आपको हैंडल करते आना चाहिए, तो इस टाइप की चीज़ें आप हैंडल कर सकते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन होगा, बेहतरीन फॉर्म में होगा, गुड फॉर्म में होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जो है, ये स्टेट स्पेस एनालिसिस का मैं आपको एक आइडिया दिया कि आपको रिविजन ऐसे फास्ट मोड में करना है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है ये, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे टाइम रिस्पॉन्स एक बड़ा टॉपिक है, वैसे स्टेट स्पेस एनालिसिस एक बड़ा टॉपिक है जिसमें ज़्यादा टॉपिक है और आपको कवर भी करना है। ठीक है, फिर लास्ट में बस बता देता हूँ, मेरे को लास्ट बताना है बस, अब कंट्रोल सिस्टम का लास्ट टॉपिक बता देता हूँ कि मैं कंपनसेटर और कंट्रोलर में क्या क्या चीज़ों को देख लूँगा, बस इतने से मेरा काम हो जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब लास्ट में टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो हमारे पास लगभग मैं बता दिया आपको कि बॉडी प्लॉट 8 टॉपिक था, 9th वाला फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सेकंड ऑर्डर सिस्टम था, जो 10th चैप्टर था वो स्टेट स्पेस था। 11th चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, 11th चैप्टर मैं मानता हूँ कि कंपनसेटर किसी को पढ़ना चाहिए, कि कंपनसेटर, अब कंपनसेटर अगर आप पढ़ रहे हो तो कंपनसेटर बहुत फटाफट रिवाइज आप कर सकते हो, कि कंपनसेटर में 4 टाइप के कंपनसेटर होते हैं। तो फर्स्ट अगर आप लैग कंपनसेटर से अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको लैग कंपनसेटर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। लैग कंपनसेटर के बारे में आपको सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए एक लैग कंपनसेटर में। आपको बेसिक सर्किट आप क्या यूज करते हो, तो बेसिक सर्किट एक आरसी लो पास फिल्टर होता है, एक स्टैंडर्ड जो सर्किट डायग्राम होता है, स्टैंडर्ड सर्किट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका बहुत अच्छा आइडिया रहना चाहिए कि उसके ट्रांसफर फंक्शन का स्टाइल क्या होता है, एक लैग कंपनसेटर के ट्रांसफर फंक्शन का स्टाइल क्या होता है। एक लैग कंपनसेटर में जब आप बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो लैग कंपनसेटर हम उसको क्यों बोलते हैं, उसकी कंडीशन पता होना चाहिए, लैग कंपनसेटर की कंडीशन होना चाहिए कि अगर मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ, अगर लैग कंपनसेटर ले रहा हूँ, जैसे मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन है मेरे पास एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी, ये और एस प्लस ए, और अगर मेरे को पता है कि ये टी ऑफ जे ओमेगा है, और टी ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू जे ओमेगा प्लस ए है, और ये जे ओमेगा प्लस बी है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेग कंपनसेटर के लिए जो एंगल होना चाहिए वो लेस देन जीरो होना चाहिए, तो टेन इनवर्स ओमेगा बाई ए माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाई बी इज लेस देन जीरो हो गया, तो टेन इनवर्स ओमेगा बाई ए इज लेस देन टेन इनवर्स ओमेगा बाई बी हो गया, टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा बाई ए इज लेस देन ओमेगा बाई बी, ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, तो वन बाई ए इज लेस देन बी, तो बी लेस देन ए आ गया, और बी लेस देन जब ए आ गया आपके पास, तो पोल जीरो डायग्राम अगर आप बना रहे हो तो बी की वैल्यू स्मॉल है, तो बी की वैल्यू स्मॉल आपके पास यहाँ बना दिया हम, ये माइनस बी है और ये माइनस ए है, और इस फिगर में बी की वैल्यू कम है, माइनस बी नहीं, बी की वैल्यू ए से कम है, ये पोल डोमिनेटिंग सिस्टम हो गया, तो एक लैग कंपनसेटर पोल डोमिनेटिंग, सॉरी ये जीरो,
तो एक लैग कंपनसेटर पोल डोमिनेटिंग सिस्टम होता है, अगर मैं इसको लीड कंपनसेटर कर लूँ, एक लैग कंपनसेटर होता है, एक लीड कंपनसेटर होता है। तो जब आप रिवाइज करोगे तो आपको लैग और लीड कंपनसेटर एक साथ डिस्कस करना है, एक साथ अपने माइंड में रखना, आप एक एक करके नहीं कर सकते। आपको कॉपी में लैग और लीड कंपनसेटर एक साथ लिखना है, एक साथ बेसिक सर्किट डायग्राम के बारे में बात करना है, एक साथ ये प्रूव करना है कि लैग कंपनसेटर लो पास फिल्टर होता है, लीड कंपनसेटर हाई पास फिल्टर होता है, दोनों का स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए, दोनों में आपको पता होना चाहिए कि किसमें अल्फा होता है, दोनों में पता होना चाहिए किसमें बीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि अल्फा लेस देन वन होता है कि अल्फा ग्रेटर देन वन होता है, दोनों में से पता होना चाहिए कि दोनों में से क्या सही है, बीटा लेस देन वन होता है कि बीटा फिर ग्रेटर देन वन होता है। जो कोफिशिएंट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कोफिशिएंट का पूरा आइडिया होना चाहिए। फिर आपको पोल जीरो डायग्राम का आइडिया होना चाहिए, लैग कंपनसेटर लीड कंपनसेटर का, आपको फिल्टर वाइज बिहेवियर पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बोडे प्लॉट की ऐसी बात अगर कर रहा हूँ, ऐसे बोडे प्लॉट की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि बोडे प्लॉट में क्या क्या हो रहा है करके, तो फिर हमको आइडिया रहना चाहिए कि अगर मेरे पास लैग कंपनसेटर स्टैंडर्ड सिस्टम अगर है और अगर पोल डोमिनेटिंग सिस्टम अगर है हमारे पास दिस वन ये, तो अगर मैं रिजल्ट वाइज अगर बात कर रहा हूँ आपके पास, तो हमको पता है कि पहले आपके पास जो होगा वो पोल होगा, फिर जीरो होगा। तो ऐसा करके मेरे को एंगल वाइज भी पता होना चाहिए, जैसे एंगल ऐसा होता है लैग कंपनसेटर का दिस वन, ये फाइव मैक्सिमम होता है, द फाइव मैक्सिमम, ये फाइव मैक्सिमम। तो मेरे को मैक्सिमम एंगल का आइडिया रहना चाहिए कि मैक्सिमम एंगल कितना होता है, ये ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। तो मेरे को मैक्सिमम एंगल का आइडिया होना चाहिए, मेरे को इवन ये पता होना चाहिए कि ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, मेरे को ये पता होना चाहिए अच्छे फॉर्म में। मेरे को इवन ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो दो टर्म्स होते हैं आपके पास, दोनों का जो जीपी होता है ये पता होना चाहिए, ये यहाँ पे जो दो टर्म्स है ओमेगा और ओमेगा बी, ये इसका आइडिया होना चाहिए, ये मैक्सिमम जिस जगह पे होगा उसके बारे में पता होना चाहिए। तो लैग कंपनसेटर में ये आपका एंगल नेगेटिव होगा, लीड कंपनसेटर में ये एंगल पॉजिटिव हो जाता है। आपको बोडे प्लॉट का आइडिया होना चाहिए कि दोनों का बोडे प्लॉट का क्या पार्ट होता है, दोनों का बोडे प्लॉट का फिगर पता होना चाहिए। इवन आपको पता है एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कई बार कि बोडे प्लॉट पे बेस क्वेश्चन लगता है किसी को, लेकिन वो लैग कंपनसेटर का जो बोडे प्लॉट होता है उसका क्वेश्चन रहता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में इतने साल में आए हैं कि फिगर लग रहा था बोडे प्लॉट का, लेकिन मैं तो उसको कंपनसेटर की हेल्प से बना लिया। तो कई बार आप जब बहुत अटेंटिव रहते हो, बहुत केयर करते हो, तो आपको गजब का कंसेप्ट पता होता है। तो मैं तो कंपनसेटर की हेल्प से ही बोडे प्लॉट के कुछ क्वेश्चन बना लेता हूं जो सिंपल लैग और लीड कंपनसेटर पे बेस्ड होते हैं, उनमें लिखा नहीं होता है, सिर्फ बोडे प्लॉट लिखा होता है और क्वेश्चन के डेटा देते हैं, जबकि वो जो डेटा होते हैं पूरे के पूरे लैग और लीड कंपनसेटर को सेटिस्फाइड करते हुए होते। तो मैं बोल रहा हूं कि लैग और लीड कंपनसेटर का पूरा आपके पास गुड आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से फिल्टर का बिहेवियर होता है, आपके पास एंगल कितना होता है, मैक्सिमम नेगेटिव एंगल कितना होगा एक लैग कंपनसेटर का, एक लीड कंपनसेटर का मैक्सिमम पॉजिटिव एंगल कितना होगा, और आपके पास जो एंगल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले के बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए, ओमेगा नॉट की वैल्यू के बारे में आइडिया होना चाहिए कि किस वैल्यू पे मैक्सिमम एंगल होगा, चाहे वो लैग कर रहा हो चाहे वो लीड कर रहा हो। जैसे आपके पास अगर मैं बोलूं कि ट्रांसफर फंक्शन जो होता है, ये ट्रांसफर फंक्शन इसी पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, एस प्लस ए और एस प्लस बी है, और ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट ए भी होता है, इज अंडर रूट ए भी, ये अंडर रूट ए भी रेडियन पर सेकंड ऐसा है जहाँ पे कि लैग भी होता है, फाइव मैक्सिमम की वैल्यू लैग में भी मिलता है और फाइव मैक्सिमम की वैल्यू लीड में भी मिलता है, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है दोनों की सेम, फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम, दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं लेकिन दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग होता है, एक का कोफिशिएंट लेस देन वन, एक का कोफिशिएंट ग्रेटर देन वन। तो ये आपके पास लैग लीड कंपनसेटर की स्टोरी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, आप अगर रिवाइज कर रहे हो तो मेरे पास लैग और लीड कंपनसेटर के पूरे पॉइंट्स होना चाहिए, पूरे पॉइंट्स मतलब पूरे पॉइंट्स, ठीक है। बाकी आप कम्बेट वीडियो अगर देख रहे होंगे तो मैं कंपनसेटर से रिलेटेड भी कुछ कुछ बात किया हूँ, जिससे कि आपको गुड आइडिया मिले करके। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कम्बेट आप पूरा देखते हो, और पूरा कम्बेट देखते हो तो पूरा मेरा आइडिया है आपको कि मैं जो जो बात किया हूँ, ठीक है। तो लैग और लीड कंपनसेटर पर आपको बहुत फोकस करना है। अगर मैं बोलूँ कि थर्ड जो होता है लैग लीड कंपनसेटर, लैग लीड कंपनसेटर, और फोर्थ जो होता है लीड लैग कंपनसेटर, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। इस पर सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि लैग लीड कंपनसेटर लीड लैग कंपनसेटर का सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए, सर्किट डायग्राम, इसका पोल जीरो डायग्राम पता होना चाहिए, एक्सप्लेन पता होना चाहिए, पोल जीरो डायग्राम बताओ, सर्किट डायग्राम बताओ, और फिल्टर का बिहेवियर बताओ, फिल्टर का बिहेवियर कि कौन सा बैंड पास फिल्टर होता है, कौन सा बैंड स्टॉप फिल्टर होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लैग लीड कंपनसेटर और लीड लैग कंपनसेटर में आपको सर्किट डायग्राम पता है, पोल जीरो डायग्राम पता है, फिल्टर आपके पास पता है। जैसे कि लैग लीड कंपनसेटर होता है, तो लैग कंपनसेटर में पहले पोल डोमिनेटिंग होता है, फिर जीरो होता है, फिर लीड में जीरो होता है, पोल होता है, तो दो पोल के बीच में दो जीरो होता है, इसको लैग लीड बोलते हैं। जब दो जीरो के बीच में दो पोल होता है तो इसको लीड लैग बोलते हैं। ऐसी चीजें किसी को पता होना चाहिए, आपको सर्किट डायग्राम का आइडिया होना चाहिए। तो ये दोनों का आइडिया वहीं से मिलेगा, लैग कंपनसेटर और लीड कंपनसेटर, इन दोनों का। तो सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए, पोल जीरो डायग्राम पता होना चाहिए, फिल्टर का बिहेवियर पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा बैंड पास फिल्टर होगा, कौन सा बैंड स्टॉप फिल्टर होगा, बस इतने से आपका काम हो जाता है। और आपको बहुत ज्यादा अगर चाहिए तो बोडे प्लॉट देख लो एक बार कि बोडे प्लॉट का फिगर क्या होता है दोनों के लिए, बोडे प्लॉट फिगर, बस हो गया।
क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बेसिक सा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एक बॉडी प्लॉट का फिगर कल कोई दे देगा और बोलेगा बताओ कौन सा कंपन सेटा होता है, चार ही ऑप्शन है। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एक पोल जीरो डायग्राम बना होगा, आपसे कोई बोलेगा कि बताओ ये कौन सा कंपनसेटर होता है, इस टाइप की पॉसिबिलिटी। कोई सर्किट डायग्राम बना होगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा कंपनसेटर होता है, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक बेसिक चीजें। तो ये टॉपिक एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चार ही टाइप के कंपनसेटर होते हैं, लैग लीड और लीड लैग। उसमें से भी लास्ट के जो दो है उसमें बहुत ज्यादा कोई कंसेप्चुअल बात कोई नहीं करता है, तो आपको क्लियर रहना चाहिए इस जगह पे कि क्या क्या हो रहा है। फिर आपको इसके इफेक्ट क्लियर रहना चाहिए कि लैग कंपनसेटर क्या क्या इंप्रूव करता है, लीड कंपनसेटर क्या क्या इंप्रूव करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप कंपनसेटर यूज कर रहे हो तो इसमें ना कोई भी पोल ना कोई भी ओरिजिन पे ऐड नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है किसी सिस्टम के एरर को जीरो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ना सब फाइनाइट पोल्स और फाइनाइट जीरो से आपके पास, जितना भी लैग और लीड कंपनसेटर का कंसेप्ट उसमें फाइनाइट पोल्स और फाइनाइट जीरो से। तो ऐसा नहीं कि किसी के आप टाइप को बढ़ा दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी के टाइप को आप इंक्रीज नहीं कर सकते, इसका मतलब इसके एरर को जीरो नहीं कर सकते। तो लैग लीड लीड लैग कंपनसेटर का जो कंसेप्ट है वो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है कि आप कंपनसेटर में सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए करते हो। तो एक गुड आइडिया होना चाहिए कंपनसेटर का। जब इस पर क्वेश्चन फ्रेम होता है 99% चांसेस रहते हैं कि इस पर क्वेश्चन एक ईजी फ्रेम होता है। अभी तक तो ऐसा बहुत ज़्यादा कोई कुछ टफ फ्रेम नहीं हुआ, लेकिन किसी को इतना आना चाहिए अच्छे फॉर्म में। लास्ट जो होता है आपके पास वो होता है कंट्रोलर। जब मैं कंट्रोलर की बात करता हूं तो आप मान लो कि कंट्रोलर वाला टॉपिक ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते, लास्ट क्लास का टॉपिक है, कोई पढ़ाता नहीं कंट्रोलर। तो यूट्यूब के मेरे वीडियो से ध्यान से देखिएगा, कंट्रोलर में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कंट्रोलर जब आप स्टार्ट करो लिखना रफ कॉपी में तो आपको लिखना चाहिए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, आपको लिखना चाहिए डेरिवेटिव कंट्रोलर, आपको लिखना चाहिए इंटीग्रल कंट्रोलर। तो डेरिवेटिव कंट्रोलर और इंटीग्रल कंट्रोलर जो होता है वो डायरेक्टली डेरिवेटिव और इंटीग्रल कंट्रोलर को कोई डायरेक्टली नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ना पैरामीटर डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ती। डेरिवेटिव और इंटीग्रल कंट्रोलर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो होता है वो सिर्फ के इफेक्ट की बात होती है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का क्या मतलब है? प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का ये मतलब है कि ये पहले से आपके पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था, ये पहले से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था ये, और अगर आपको प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की बात करना है इसका मतलब यहाँ पे आप के मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, दिस इज द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर मतलब के की वैल्यू है, के की वैल्यू को ज्यादा करोगे मतलब के की वैल्यू को बढ़ाओगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, डैम्पिंग रेशियो में क्या इफेक्ट पड़ेगा, परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ेगा, ये कुछ भी बात की जा सकती है कि के की वैल्यू को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, पहले 10 था फिर 20 कर दिया तो बताओ राइज टाइम में क्या फर्क पड़ा, डिले टाइम में क्या फर्क पड़ा। आपके पास ऐसी बात की जा सकती है, परफॉर्मेंस वाइज बात की जा सकती है, सेटलिंग टाइम में क्या फर्क पड़ा, डैम्पिंग रेशियो कम हुआ कि ज्यादा हुआ, ऐसे सब कुछ बात की जा सकती है। तो कुछ भी टफ नहीं होता है। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर मतलब सिंपल के मल्टीप्लाई करना। फिर डेरिवेटिव कंट्रोलर में आप एक जीरो ऐड करते हो, इंटीग्रल कंट्रोलर में एक पोल ऐड करते हो एट द ओरिजिन, जब ओरिजिन पे एक पोल ऐड करते हो तो टाइप आपके पास जो होता बढ़ जाता, टाइप वन से टाइप टू हो जाता, तो एरर तो जीरो होने वाला है। तो इंटीग्रल कंट्रोलर का एडवांटेज है कि एरर को जीरो कर देता है, एरर को कम कर देता है। डेरिवेटिव कंट्रोलर का एडवांटेज है कि स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो डेरिवेटिव वाली चीज़ें जो होती है वो स्टेबिलिटी के इंप्रूवमेंट के लिए होती है, और इंटीग्रल वाली जो चीज़ें होती है वो एरर के इंप्रूवमेंट के लिए होती है। एरर का इंप्रूवमेंट मतलब एरर का कम होना, स्टेबिलिटी का इंप्रूवमेंट मतलब स्टेबिलिटी का ज़्यादा होना। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कंबाइन करते हैं कंट्रोलर को। अब फिर हम करते हैं आगे, जैसे पढ़ते तो हम पीडी कंट्रोलर की बात करते हैं, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल जो डेरिवेटिव कंट्रोल होता है, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव, ये जो होता है ये इफेक्ट ऑफ जीरो होता है। किसी सिस्टम में जीरो का ऐड करना और प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर दोनों की बात करना सेम चीज है। तो अगर आपको कभी कोई बोले कि प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव के क्या इफेक्ट होंगे, तो वो वही इफेक्ट होंगे जो जीरो का ऐड करने से इफेक्ट होते हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा देखना है तो मैं बोल भी रहा हूँ बार बार कि आप मेरे कंट्रोल के जितने भी कम्बेट के वीडियो है पूरे को देख लेना, कुछ कुछ गुड पॉइंट उसमें मैं बोला हूं। तो पीडी कंट्रोलर का इफेक्ट आपको पता चल जाएगा। पीआई कंट्रोलर की अगर मैं बात करूं तो पीआई कंट्रोलर मतलब क्या होता है, पीआई मतलब प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल, तो के आई बाई एस हो गया, के बाई एस हो गया मतलब ये के पी एस हो गया, प्लस के आई हो गया प्लस एस हो गया, मतलब एक फाइनाइट जीरो ऐड कर रहे हो और एक पोल ओरिजिन पे ऐड कर रहे हो। जब मैं पोल ओरिजिन पे ऐड करूंगा इसका मतलब है कि टाइप बढ़ेगा तो एरर कम होगा, और आप जीरो को ऐड कर रहे हो तो स्टेबिलिटी को इंप्रूव करेगा, तो ये पी आई कंट्रोलर हो गया। बट ऐसा होता है कि स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंडीशनल होता है, ये लगभग कंपनसेट कर लेता है क्योंकि एक जीरो को भी ऐड कर रहे हो एक पोल को भी ऐड कर रहे हो। तो फिर आपको हमेशा ना गुड आइडिया होना चाहिए पीडी कंट्रोलर का, गुड आइडिया होना चाहिए पीआई कंट्रोलर का, और सबसे इंपॉर्टेंट है पीआईडी कंट्रोलर, जिसमें कि KP प्लस KDS प्लस KI/S। क्यों? क्योंकि इसमें ना हम जब सॉल्व करते हैं तो KDS स्क्वायर होता है प्लस KPS होता है प्लस KI/S होता है। इसका मतलब है कि ये सेकंड ऑर्डर जीरो है, फर्स्ट ऑर्डर आपके पास पोल, एक पोल ओरिजिन पे ऐड कर रहे हैं और टू जीरो ऐड कर रहे हैं। जीरो को ऐड करने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, पोल अगर ओरिजिन पे ऐड कर रहे हो तो एरर कम होता है। इसका मतलब पीआईडी कंट्रोलर स्टेबिलिटी को बहुत इंप्रूव करता है और एरर को जीरो कर देता है, क्योंकि वन पोल एट ओरिजिन कॉमन है अभी भी, जैसे कि पीआई में था।
इसका मतलब है कि पीआईडी कंट्रोलर जो होता है वो बेस्ट कंट्रोलर होता है। ये सब पॉसिबिलिटी ना कंपन सेटर के साथ नहीं होती, अदरवाइज कंपन सेटर और कंट्रोलर जो है, ये जो डिवाइस जो हम यूज कर रहे हैं, ये किसी सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए होता है। लेकिन कंपन सेटर का अपना एक लिमिटेशन है, क्योंकि कंपन सेटर में कोई भी पोल ओरिजिन पर आप ऐड नहीं कर रहे हो, और जितने पोल ऐड कर रहे हो उतने ही जीरो ऐड कर रहे हो, ये कंपन सेटर का स्टाइल है। तो कंपनसेटर उस वे में इंप्रूव नहीं कर पाता जिस वे में कंट्रोलर कर सकता है। तो कंट्रोलर में आपको पीडी के बारे में पता होना चाहिए, आपको पीआई के बारे में पता होना चाहिए, आपको पीआईडी कंट्रोलर के बारे में पता होना चाहिए। और कई बार कंट्रोलर पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने सिंपल होते हैं कि किसी को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग आरएस टेबल लगाते हैं और बता देते हैं कि बताओ इस केआई का रेंज कितना होगा, तो उसके लिए तो आरएस टेबल से भी काम चल जाता है। कभी कभी कुछ कंसेप्चुअल अगर कोई बात करता है कि बताओ पीआईडी कंट्रोलर के क्या क्या इफेक्ट होंगे, स्टेबिलिटी का इफेक्ट क्या होगा, बताओ आपका एरर का इफेक्ट क्या होगा, तो उस केस में थोड़ा कंट्रोलर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अपनी च्वाइस है कि कितना आप पढ़े हो, कितना आप देखे हो, क्योंकि आपको लास्ट क्लास का दो दिन में आपको रिवाइज करना, अब तो आपके पास टाइम नहीं है। तो जितनी भी चीज़ों को पढ़े हो उसको फटाफट कलेक्ट करते जाओ। तो आपको ये ध्यान देना है कि पूरे कंट्रोल सिस्टम में मुश्किल से 10 या 15 ऐसी चीज़ें होगी जिस पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। बस 10 चीज़ होगी मैक्सिमम, जिसको आपको ऐसे लास्ट में एग्जाम के तीन दिन पहले भी जिन चीज़ों को आपको देखने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप पूरे चीज़ को कंक्लूड कर लो तो आपको कुछ थ्योरेटिकल जगह पर जरूरत पड़ सकती है कि कंपनसेटर में क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कंट्रोलर के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ये ऐसे थ्योरेटिकल पॉइंट है जहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए। आपको एसएफजी में मेसांस गेन फॉर्मूले देखने की जरूरत नहीं लास्ट के तीन दिन में, लास्ट के चार दिन में। आपको टाइम रिस्पांस के बेसिक रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं, उसमें लोग नहीं भूलते, लोग रूट लोकस नहीं भूलेंगे, लोग पोला प्लॉट नहीं भूलेंगे, उसमें ओमेगा पीसी ओमेगा जीसी जीएमपीएम आप भूल ही नहीं सकते, कैसे भूल जाओगे आप। नाइक्विस्ट प्लॉट में स्टेबिलिटी क्राइटेरिया एन इक्वल टू पी माइनस जेड आप नहीं भूल सकते। आपको स्टेट स्पेस एनालिसिस एक बार आता है तो आप कैसे भूल जाओगे, आपको बस कैलकुलेशन आना चाहिए। तो पूरे कंट्रोल सिस्टम में 10 पॉइंट बहुत है जिसको आपको ना एग्जाम के तीन दिन चार दिन पहले भी ऐसे 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा देखने की जरूरत पड़ेगी। तो अपने आप को आप इतना इंप्रूव करो कि आपका काम ना लास्ट के जब चार दिन बचे हो तो जब आप एक घंटे में कंट्रोल सिस्टम को देखना चाहो तो वो 1 आवर्स में 60 मिनट में पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम कवर हो जाए, और आपको पता हो कि पूरे कंट्रोल सिस्टम में ये पॉइंट पे मेरे को बस केयर करना है, ये फॉर्मूले पे मेरे को केयर करना है, इन जगह पे मेरे को सोचना है कि यहाँ पे मिस्टेक्स होती है, क्योंकि ओवरऑल मैं इन जगह पे मिस्टेक करता हूँ। तो आपके पास हर एक सब्जेक्ट का एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, एक जगह पे कॉपी में नोट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरे रिजल्ट लिख डाल रहे हो, पूरे रिजल्ट याद करने की कोशिश कर रहे हो। अरे कुछ रिजल्ट तो याद ही नहीं करना पड़ता है। अब अगर कोई बोलेगा कि सर मैं ओमेगा पीसी का डेफिनेशन भूल जाऊंगा तो फिर उसका तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप फेस क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, जीएम और पीएम के बारे में अगर आप भूल सकते हो तो आप टेक्निकल स्टूडेंट ही नहीं हुए। कैसे हुआ टेक्निकल स्टूडेंट ही नहीं हुए फिर आप? तो ऐसा अलाउ नहीं किया जा सकता। तो मैं बोल रहा हूं कि आपको लास्ट क्लास में पता होना चाहिए कि किन पॉइंट्स को देखना होता है। तो आपके कॉपी में नोट होना चाहिए, आपके पास इतनी बड़ी भी कॉपी हो तो भी एक घंटे में कवर की जा सकती है। बस आपको पलट के वो उन जगह पे पहुंचना होता है जिन जगह पे चीज़ें लोग भूलते हैं, जिन जगह पे लोग मिस्टेक करते हैं, उस कॉपी में नोट होना चाहिए, एक घंटे में भी काम होना चाहिए। तो अपने आप को अभी इतना इंप्रूव करो कि जब आपको एक घंटे में जरूरत पड़े तो फटाफट आपको पोल जीरो डायग्राम, लैग का क्या होता है, लीड का क्या होता है, फटाफट सर्किट डायग्राम बनाए, खुद से ऐसे लिख के देखना चाहिए। तो अगर मैं बहुत अगर लिख के वर्कआउट करता हूं तो मैं तो एक ही दिन में ना 3 से 4 सब्जेक्ट रिवाइज कर लूंगा, एक कॉपी लूंगा, फटाफट लिखना चालू करूंगा, स्टार्टिंग से एंडिंग तक लिखना चालू करूंगा। मेरे माइंड में फिक्स होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जिसको मेरे को केयर करना है। एक दिन में 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट रिवाइज कर लूंगा लास्ट में। तो लास्ट के 3 दिन जो 4 दिन जब बचेंगे ना, उस समय ना आपका आप कैसे सोचते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो एक दिन में बोला कि मैं इतना सब्जेक्ट रिवाइज कर लूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है रिवाइज कैसे करना है। तो आप ना रिविजन का स्टाइल बहुत ही गुड रखिएगा। तो कंट्रोल सिस्टम एक बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, बट गुड कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, मजेदार सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन बनना चाहिए। इतने दिन से आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब में वीडियो देखते हो, तो मैं चाहता हूँ कि कंट्रोल सिस्टम जब आप एग्जाम में बैठे तो कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन पूरे इंडिया से बनना चाहिए। ठीक है, इतना मैं वीडियो प्रोवाइड किया, इतना कम्बेट प्रोवाइड किया, जो जो मैं कर सकता था वो किया। तो मेरे को लगता है कि इतना तो आपसे होना चाहिए, इतना अगर अपन कर पाएंगे तो ये अपने लिए बेस्ट होगा। तो ठीक है, इसी के साथ फिर मैं कंट्रोल सिस्टम का पूरा जो डिस्कशन था उसको एंड करता हूँ। बहुत फास्ट बताया मैं, क्योंकि मैं रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, एकदम फटाफट बताते गया क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि क्या क्या सोचना है, क्या रिवाइज करना है। इसलिए मैं बहुत फास्ट मूड में था, नॉर्मली ऐसे मूड में कम होता हूँ। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में देखते हैं कि आपको कितना अच्छा लगा होगा। मेरे को आइडिया नहीं कि इस टाइप की चीज़ें कितनी अच्छी लगी होगी, फिर भी नेटवर्क को लोग बहुत ज़्यादा बोले कि हमको अच्छा लगा, आप जितना बोले उसको हम रिवाइज़ कर पाए, इसलिए मैं कंट्रोल सिस्टम का भी आप लोगों के लिए बना दिया। तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आप इस चीज़ को लाइक करते हो तो बताइएगा, आपके पास आपके कमेंट्स देख के पता चलेगा कि आपको ओवरऑल
ओवरऑल आपको एडवांटेज होना चाहिए। अगर आप मेरा एक घंटे या दो घंटे की वीडियो को देख रहे हो तो कुछ आपको मिलना चाहिए, इसलिए मैं पूरा एफर्ट लगाता हूँ, पूरा जान लगा देता हूँ कि उस जगह से आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ठीक है, ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहो, गेट 2019 को बेस्ट वे में अपना अटेम्प्ट मारो, जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट दो। मेरी पूरी विशेष आप लोगों के सबके साथ में, पूरे स्टूडेंट लोगों के साथ में, जितना जो लोग भी एफर्ट करना चाहते हैं लाइफ में, जिन लोग की गोल क्लियर है, जो लोग फोकस्ड है, जो लोग चाहते हैं जिंदगी में अच्छा कैरी करना, उनके साथ चीज़ लाइफ में अच्छी होना चाहिए। जितना एडवांटेज ले सकते हो वो एडवांटेज ले और अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से मेंटली स्ट्रांग होके, मेंटली कूल होके अपने एग्जाम को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो फिर आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।